जी अब आवाज ठीक आ रही है? एम आई ऑडिबल नाउ? नॉट जी बेटर, यस सर, रिलेटिवली बेटर. या रिलेटिवली बेटर बट नॉट गुड. जस्ट अ मिनट. जी आई होप कि अब आवाज़ ठीक आ रही होगी. Yeah, it's good now. थैंक यू Thank वेरी you. मच. Sir, it's better, but still very low on your sound. नहीं, ओके, क्लियर समझ आ रही है आपकी आवाज. थैंक यू वेरी मच रेहान भाई. ओके जी तो आप लोग अपने कैमरा जोन सा है वो ऑन कर सकते हैं. तमाम फैकल्टी मेंबर, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल. दैट्स गुड. हाय, फर्स्ट टाइम हैप्पी टू सी मिस इद्रा. आई एम आल्सो हैप्पी टू सी. मुझे तो अपने अपने जो पर्सन हैं वो याद आ रहे हैं बस. रेहान, सो गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. थैंक यू मैडम, रेड टू सी यू एंड स्माइलिंग. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम मैडम सिद्रा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह. मुझे तो, मैं तो याद हूँ जी. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. यार ड्राइविंग और मेरा नहीं ख्याल कि मेरी फोटो को बहुत क्लियर आ रही है. बस सर, कोई साया पड़ रहा है. मैं कुछ साया पड़ रहा है. मैं लाइट के अंदर कोई साया पड़ रहा है. अभी लेटे हुए होते हैं. नहीं, इमरजेंसी. मुझे सिद्दीकी साहब ने कॉल करके कहा कि ना आप अटेंड कर लो. तो मैंने कहा मैं सर जैसे हूँ, जिस तरह हूँ उसी की बुनियाद पे आऊंगा. चले, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है. चले ध्यान भाई और मैडम सिद्रा, मेरा ख्याल बिजी हो गई है. सिद्रा खान कैसी हैं? जी वो भी सही है, दोनों सिद्रा सही हैं. ठीक है. कैसी जा रही है आपकी पढ़ाई? ओह गॉड, नहीं सही. नहीं नहीं जा रही, अच्छी जा रही है. बट नजर आ रहा है मौसम एंजॉय कर रही हैं आप. किस हैं आप? और ईद शीद सही गुजरी है आपकी? नो नो, अच्छा हमारी तो ड्यूटी पे गुजरी है. अच्छा ड्यूटी पे गुजरी, ईद वाले दिन की ड्यूटी. यार वो पता है बंदा बिजी रहता है बहुत मजा आता है. Hi, Dr. Umar, how are you? जी अल्लाह का शुक्र. Thank you very much. Okay, बिल्कुल ठीक. सबसे पहले मैं तमाम फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. आप लोगों ने अपना जो है मसरूफ वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला, हमारे स्टूडेंट्स के लिए निकाला. आज और कल में मेरा ख्याल है कुछ BCPS के रिजल्ट्स भी आए हैं, विच इज़ वेरी मोटिवेटिंग. और कुछ और हमारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये नंबर जो उनसे हैं वो बढ़ते जाएंगे हमारे एजुकेशन प्लान के रिजल्ट. हाँ जी, BCID का आया अभी जो फर्स्ट कोहोर्ट था उसका, अप्रैल मार्च अप्रैल का. तो हम जो सेशन जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गया. तो कहने का मकसद ये था कि जो कुछ और मतलब पाकिस्तानी हैं उनका यहाँ पे है अब्रॉड में या पाकिस्तान में उनके पास हुए, और इट्स हाईली मोटिवेटिंग फॉर ऑल अदर्स आवर स्टूडेंट्स एज वेल. तो आप लोगों से एक दरख्वास्त ये करनी थी कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे लेक्चर्स डिलीवर किए हैं और माशाल्लाह
एक अच्छा फीडबैक है और प्रेजेंटेशन ऑलरेडी रेडी है, तो हम आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट कोहोर्ट में भी तकलीफ देंगे, ऑब्वियसली फॉर द सेशन फॉर अप्रैल एंड मई एग्जाम. द क्लासेस विल बी इन जनवरी और फेब्रुअरी. वी विल सेंड यू द शेड्यूल. आई होप ऑल ऑफ यू विल एग्री विद अस. तो इस जो जो सिलसिला है हमारा तालीम का, इसको हम इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेंगे. तो जो आज का जो मकसद था वो ये था कि हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को जो है वो लाइव कैच करना चाह रहे थे और एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना चाह रहे हैं और किसी भी किस्म का जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर से बेहतरीन करना चाह रहे हैं. तो मेरी तरफ से, डॉक्टर सदीकी की तरफ से, गिविंग बैक टू फार्मेसी इन पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन. और डॉक्टर उमर इफ यू कैन टेक पिक्चर और डॉक्टर सिद्रा इफ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट देन विद ऑल ऑफ अस. सो प्लीज रेडी फॉर अ फ्यू मोमेंट, अ मिनट एट लीस्ट. थैंक यू. मल्टीपल पीपल दे कैन टेक, दे कैन शेयर विद मी, दे कैन शेयर. मेरी फोटो सही नहीं आएगी एक्चुअली, मैं ऐसे ही चलाऊंगा. मैं आपका हमेशा का ये मसला है. और मेरे पास मोबाइल है और मुझे किसी की कुछ इंडिविजुअल आ रही है, तो आप मेरा ख्याल है उधर से डेस्कटॉप से ले लें. सबसे लैपटॉप है तो हाँ उधर से ले लें. डॉक्टर आयशा, डॉक्टर मारिया एंड अनम मलिक, कैन यू प्लीज स्विच ऑन द कैमरा. डॉक्टर आयशा एंड डॉक्टर मारिया प्लीज, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं? हाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. बिलाल भाई नहीं नजर आ रहे, बिलाल भाई हैं? जी जी बिलाल भाई हैं. नहीं मगर मुझे स्क्रीन पे नहीं नजर आ रहे. मैडम मारिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? गायब हुए हुए तुम स्क्रीन से. मैं गाड़ी में हूँ और ना वो इतनी ज्यादा रोशनी नहीं है. मैंने हालांकि खड़ी करके गाड़ी सारी लाइटें ऑन की है, फिर भी नहीं आ रही सही. हम उस पर लिख देंगे उमर इन कार, ठीक है? हाँ नहीं बनाएंगे. जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी. तुम कैसी हो सिद्रा? गुड, आप बताएं. बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है. अच्छी जा रही है या बहुत अच्छी जा रही है? सही जा रही है बस. सरबत, कैन यू प्लीज ओपन योर कैमरा. Sarvat is a participant actually, I remember. Okay. She's always before time. She always join on time, Alhamdulillah. Aap sab log ek minute ke liye chup ho jaye. Chale, one, on three mein I will click, okay? One, yeah, yeah. Two, three. Just let me check. आज है कोई लेक्चर? जी आज लेक्चर है आईडी 2 का. डॉक्टर सिद्रा इट इज डन, जस्ट वेट एक मिनट, चेक कर लो. डॉक्टर जफर इफ यू वांट टू से समथिंग, डॉक्टर सिद्रा एंड लीव एंड आवर वॉलंटियर्स रिदा, आफिया, प्रियंका, अनम, वी आर ऑल टुगेदर, डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर अमार, डॉक्टर आयशा, Dr. Arisha, if you want to say something, you can say. We are all together today. Alhamdulillah. Thank you very much. एक अच्छा इसका platform है जिसको हम use करें अपने आप को भी थोड़ा सा polish करने के लिए. At the same time जो थोड़ा बहुत knowledge हमारे पास है ये अपने juniors तक पहुंचाने के लिए. मैं तो बड़ा खुश हूँ मैडम सिद्रा को
honestly speaking, it's so good to see all of you guys, but especially jin logon ke sath itna acha time guzara hota hai, as a second family rahe hote hain, to is Rehan is like my educational son. So it's so good to see you. मैं तुम्हारी रूहानी माँ हूँ. नहीं, हमारी तो BCPS की जर्नी स्टार्ट ही मिसिद्रा से होती है. मिसिद्रा ने BCPS किया, उसको हम फॉलो करते हुए ना आगे बढ़े. नो डाउट, इट्स सो गुड टू सी यू, एंड आई एम आल्सो मिसिंग गुलाम मुश्तबा टुडे, प्रोबब्ली ही वाज अमंगस्ट द फैकल्टी आल्सो, एंड ऑल ऑफ यू गाइस, लाइक उमर हैज बीन विद अस, उमर हफीज हैज बीन विद अस, एंड इट्स बीन वेरी गुड. और कुछ लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, काफी लोगों के साथ तो काम करने का मुझे मौका नहीं मिला, बट इट्स ऑलवेज गुड टू सी आप लोगों की लेक्चर्स सुने, एंड वाज वेरी गुड. आपको भी देख के हमें बहुत खुशी हुई है, और मुझे नहीं पता आप आजकल कहाँ पे हैं, लेकिन आप शौकताना में नहीं है ना, मुझे पता है क्योंकि मैं लास्ट टाइम विजिट किया था शौकताना, तो आप वहाँ पे नहीं थी, शिवाज भाई थे वहाँ पे. जी जी जी, नहीं अब मैं यहाँ पे हूँ ओंटेरियो में, कनाडा में, सो इसलिए मैं शौकत खानम में अब करंटली नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इतना खुश हो रही हूँ रेहान को देख के भी, बिकॉज बहुत अरसा हो गया कोई बात नहीं हुई और मुलाकात नहीं हुई. मकसूद खान और मिस सिद्रा ये हमारे लिए इंस्पिरेशन होते थे जब हम वॉलंटियर्स थे शौकत खानों में. अच्छा, आई वाज सो सरप्राइज्ड के मकसूद एंड अजम वर नॉट अमंगस्ट द फैकल्टी, प्रोबब्ली दे डिडंट हैव टाइम. हाँ, वो बहुत मसरूफ बनते हैं. जी जी बिल्कुल. लेकिन मिस सिद्रा, आपका, बाकी सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये पहली दफा में, हाँ पहली दफा था हमारा, और कोशिश यही थी कि जो लोग, जो जितना हम लोग ने अपने टाइम पे स्ट्रगल किया है वो लोग ना करें पाकिस्तान में. बिल्कुल, और ये सब की वजह से पॉसिबल है, आप लोगों की वजह से, जिस जिसने भी कंट्रीब्यूट किया, वॉलंटियर्स ने भी, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म से, और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह. Thank you very much, Dr. Zafar Iqbal. He was with us. Dr. Muhammad Amar Zahid, he's with us. Dr. Aisha, Dr. Asif Javed Aman, Dr. Arisha, Dr. Muhammad Rehan Khan, Dr. Maria. Dr. Sidra is with us still now. Dr. Sidra and Leem as well, and Dr. Zafar Iqbal again. Thank you very much, all of you, and thank you very much, my volunteers. I hope you people are happy with them, with Priyanka, Anam, Afia, and me too. So I hope you people are happy with us and our communication. And if there is any sort of suggestions and for improvement, you can free to ask us and communicate with us. Thank you very much again. So our session will be start for infectious disease right now. And Priyanka, can you please start? You can take over. Thank you. Okay, guys. Thank you so much. I will leave. Thank you, Rana, for hosting. Thank you. Family. Okay. Welcome. Waalaikum salam. Yes, Priyanka, are you there? रेहान भाई का है. नहीं, बाकी सारों का म्यूटेड है. जी 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 जी, रेहान, आई एम रेडी. फाइन. Okay, Dr. Rehan, I think so you can start. So guys, we have today the lecture on infectious disease 2, which is will be covered by Dr. Rehan Khan and Dr. Sidra. We are already introduced them. Dr. Rehan Khan, he's working in Shaukat Khanam, and Dr. Sidra, she is studying PhD in UK. So Dr. Rehan Khan, can you please start, and you can share your presentation right now. Thank you very much. Assalamu alaikum. सबको शो कर रही है. या विजिबल. ओके,
So first of all, thank you very much for the opportunity to speak again. Today's topic is slightly different, more focused towards HIV. नो जस्ट हमारे को इसमें वो नहीं है, हमारी कोशिश ये है कि उसको सिखाया जा सके. अच्छा, टॉपिक है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV. ठीक है, थोड़ा सा टाइम दूंगा HIV को एक्चुअली बताने में, क्योंकि हमारे अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं या अक्सर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको HIV का नहीं आइडिया कि HIV एक्चुअली क्या है, HIV में क्या किस तरह होता है. तो HIV एज एन इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल ह्यूमन जब भी इन्फेक्ट करता है तो वो इन्फेक्शन बहुत सारी हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा भी है, आपके हेपेटाइटिस ए यानी A, B, C, D, E पायरोवायरस हो गया, एब्सटेंट बार वायरस हो गया. ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट वायरल, अभी रोटा वायरस हो गया जो गट की करता है, ठीक है, इन्फेक्शन करता है, इसी तरह सो एंड सो ऑन जो डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन. आजकल भी हम पूरी दुनिया एक वायरल इन्फेक्शन से कहने लगे, हम उसको डिस्कस करना पड़ता है कि कोविड कोरोना वायरस से सफ़र कर रहा है, जो बेसिकली कोरोना वायरस स्पीशीज से है कोविड. उसमें इन सब का कोई ना कोई बेसिकली क्या होता है कि जब भी ये इन्फेक्शन करते हैं तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. एक होता है कि जब ये किसी भी होस्ट के अंदर इंटर होते हैं, वो होस्ट कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जाम्पल कोई भी यानी एनिमल भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है. तो पहला काम ये करते हैं कि वहाँ पे जाके सबसे पहले तो एसेस हासिल करते हैं, एंटर होते हैं सेल्स के अंदर जो भी होता है, वहाँ पे जाके फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं. ठीक है, और नंबर इंक्रीज करने के साथ साथ जो होस्ट होता है फिर उसको वो डैमेज करते हैं डिफरेंट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके या फिर ओवरऑल वायरल को अटैक करके. अब फॉर एग्जाम्पल जब भी हेपेटाइटिस सी का आता है, तो हेपेटाइटिस सी में क्या होता है कि जब वायरल लोड बढ़ता है तो क्या होता है, हेपेटोसाइट्स में वो जाके इफेक्ट करते हैं, हेपेटोसाइट्स को डैमेज करते हैं, लिवर सिरोसिस कॉज करते हैं. ठीक है, इसी तरह यानी कि आप देख रहे हैं ना, होस्ट में कोई ना कोई वो सेल पकड़ता है, जिस तरह जो आपका कोविड है ये क्या होता है ज़्यादातर जनरली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसी तरह लंग्स में जाके, लंग्स के सेल्स में जाके, बाकी बॉडी के अंदर भी जहाँ जाए. इसका थोड़ा सा यही है कि अभी तक उसको 100% इसको कोई नहीं है, डिफरेंट चीज़ें हैं कि नहीं जी ये तो बाकी सेल्स में भी जाता है, इस वजह से कोगुलेशन डिसऑर्डर्स भी करता है, यानी किसी वजह से फेरेटिन भी इंक्रीज करता है, नहीं ये लंग्स में भी जाता है, वहाँ से इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ARDS करता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी करता है, लोअर में भी करता है, बाकी ऑर्गन्स को भी जाके ये इफेक्ट करता है. ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक किसी उस पर करते हैं, मसलन जो रोटा वायरस है जनरली जैसे गट में जाके करता है, गट इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वहाँ से उसकी डायरिया और ये चीज़ें करता है. ठीक है, मतलब डायरिया का सबसे जो कॉमन कॉज है वो वायरस है, तो कहीं ना कहीं वो कोई होस्ट सेल्स को टारगेट कर रहा होता है, जहाँ पे जाके एक्चुअली वो मल्टीप्लाई करता है और वहाँ पे वो डैमेज करता है. तो HIV में क्या होता है, HIV के अंदर जब भी इन्फेक्शन होती है, उसमें जब भी कोई इन्फेक्ट होता है एड्स के वायरस से, ठीक है, रेट्रोवायरस इसको हम कहते हैं, ठीक है, रेट्रोवायरस से जो भी इफेक्ट होता है उससे नेक्स्ट क्या होता है, जो इफेक्ट होने के बाद सेल सेस हासिल करता है, ब्लड स्ट्रीम ये भी जाता है, उसके बाद नेक्स्ट इसका ये होता है कि जाके आपके जो CD4 सेल्स होते हैं, टी सेल्स में फर्दर CD4 सेल्स होते हैं, इनमें जाके एक्चुअली एंट्री हासिल करता है, उसमें जाता है, मल्टीप्लाई करता है और उनको डैमेज करता है. जितना वायरल लोड ज़्यादा होगा उतना डैमेज ज़्यादा होगा. CD4 काउंट का जनरली नंबर 500 टू 1500 के दरमियान होता है, और ये आपके जिस तरह कह सकते हैं स्पीयर हेड का रोल अदा कर रहे होते हैं आपके इम्यून सिस्टम के अंदर. तो जब CD4 का नंबर ड्रॉप होता है तो उससे क्या होता है कि सर्टेन डिजीजेस जिसके अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये सेल्स, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती. तो उससे क्या होता है कि आपको सर्टेन डिजीज अटैक्स होते हैं. ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो जिनके अगेंस्ट पहले आपकी बॉडी को डिफेंड कर रहा होता है उन इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो डिफेंड नहीं कर पाता. तो उससे क्या होता है कि सर्टेन इन्फेक्शन होती हैं, सर्टन पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इम्यून सिस्टम CD4 काउंट कितने ड्रॉप हुए, ये आगे जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है इसी तरह आपको बताएंगी. बट आपको थोड़ा सा मैं एक ओरिएंटेशन देना चाहता हूँ कि जब भी HIV इन्फेक्शन होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, कि वायरल लोड कितना है. पहले तो HIV है नहीं, आगे ये चीज़ें सारी डिस्कस होंगी, लेकिन जस्ट एक फाउंडेशन आपको थोड़ा सा चीज़ों का कि आपका वायरल लोड कितना है. वायरल लोड के बाद नेक्स्ट आ जाता है कि CD4 यानी कि वो कितना ड्रॉप हो चुका है. और CD4 काउंट इधर नहीं, विद इन डेज ड्रॉप नहीं होते, टेक्स टाइम, जनरली होता है कि सालों इसको लग जाते हैं. कुछ में ये फास्टन भी प्रोसेस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, अगेन वही फिर डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं.
बट इट टेक्स जनरली सम टाइम, और जनरली जब भी पेशेंट हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, अभी भी मैं विदाउट कि मेरे पास एक हमारे पास एक एचआईवी का पेशेंट है जिसमें सर्टेन पैटर्न ऑफ डिजीजेस थे कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस भी था, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी था, पेशेंट को हमें मैक भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स भी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, पेशेंट को फंगल भी साथ में था, पेशेंट को पीसीपी जो है नेमोसिस्टिक एरोवेकी नमोनिया भी था। तो ये सारी चीज़ें ऊपर से पेशेंट को हमने टेस्ट कराया तो एचआईवी पॉजिटिव आ गया, तो हमने सीडी फोर काउंट, लेकिन हमें माइंड में एक आ गया कि इसका सीडी फोर काउंट यार 100 से नीचे नीचे होगा, कि जितनी डिजीजेज इसको हैं, कि इसको सेरिब्रल भी हैं, मैक भी है, ये सारे, तो इसका सीडी फोर काउंट कोई 100 से नीचे नीचे ही होना चाहिए क्योंकि इसको ये इन्फेक्शन हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें जब सीडी फोर काउंट आया तो वो अराउंड कुछ 6 समथिंग था, यानी कि बिल्कुल आपका ड्रॉप हो चुका, तो उस वजह से मल्टीपल इन्फेक्शन ने उसको अटैक किया और वो पेशेंट उसके वेंटिलेटर पर डेथ बेड पे था। कहने का मकसद यह है कि एक्चुअली एचआईवी का वायरस वो इटसेल्फ नहीं, वो कोई ऐसा कहता हूँ, एक्चुअली आपके एक जिस तरह एक आपके बॉडी के पार्ट को, जिस तरह हेपेटाइटिस सी में क्या होता है, हेपेटाइटिस बी में लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर हेपेटोसाइट्स को डैमेज करता है, यहाँ पे ये सीडी फोर को डैमेज कर देते हैं, सीडी फोर का नंबर कम हो जाता है, हेपेटोसाइट्स में लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर श्रिंक करना, आपके हेपेटोसाइट्स का नंबर कम हो जाता है, यहाँ पे सीडी फोर का नंबर ड्रॉप कर जाता है। सीडी फोर आपको यह आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है, आपके इम्यून सिस्टम के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब सी डी फोर काउंट को बस थोड़ा सा ये भी मैं सबसे बता दूँ, सिर्फ ये वायरस भी नहीं, कुछ मेडिसिन भी कर रही होती है, मतलब स्टीरॉयड्स, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड्स पे होते हैं उनमें भी सी डी फोर काउंट, या कुछ आपकी एंटी कैंसर मतलब 6 MP मरकैप्टोपिरिन जो होती है ये भी सी डी फोर काउंट को सप्रेस करती है, तो डिफरेंट ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, या मोस्ट कॉमन हमारे पास यानी कि ये होता है, जो इसलिए ना डिफरेंट जो हमारे प्रोफिलेक्सिस हमें ऐड करने पड़ते हैं, वो हमारे PBLL के पेशेंट्स इनको स्टीरॉयड्स भी हमें रखना पड़ता है और साथ में 6 MP वगैरह देनी पड़ती है, तो उस केस में भी हम तकरीबन साथ मिलते जुलते को कवर दे रहे होते हैं, एंटीफंगल के भी, PCP के भी, ये सारी चीज़ें ये आगे डिटेल में डिस्कस होती हैं। टाइम शॉर्ट है, मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, लेकिन एक फाउंडेशन मैं आपको चाह रहा था कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि HIV में अक्सर लोगों को बेसिक आइडिया होता क्या है, क्यों इन्फेक्शन होती हैं, क्यों सेट ऑफ इन्फेक्शन होती हैं, कि बेसिकली जो जो CD4 काउंट ड्रॉप होता है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी बेसिकली इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी की वजह से वो इन्फेक्शन जिनके अगेंस्ट जनरली एक आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, आपका इम्यून सिस्टम बॉडी का आपको प्रोटेक्ट कर होता है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो फिर सेट ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो पहली चीज़ आ जाती है ट्रांसमिशन, सबसे कॉमन जिसका सेक्शुअल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, सेक्शुअल ट्रांसमिशन के अंदर भी सबसे जो कॉमन रिस्क होता है वो एनल सेक्स जो होता है, या फिर हेट्रोगैमी में जो इन्वॉल्व होते हैं, या फिर इस किस्म के होते हैं, पेरेंट्रल स्पेशली जो IV ड्रग्स यूजर होते हैं वो हाई रिस्क पे होते हैं, स्पेशली जो एडिक्ट्स वगैरह होते हैं जो कि IV स्ट्रेंजेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये भी है कि कुछ स्ट्रेंजेस वो बार बार यूज हो रही होती हैं, हैदराबाद का इंसिडेंट आपके सामने है, या ये जो लालपुर जट्टा समथिंग जो इंसिडेंट हुआ था इसमें भी यही हुआ था कि वो जो सिरिंज थी वो इन्फेक्टेड सिरिंज थी, उसको प्रॉपरली वही यानी कि वही बार बार डिफरेंट पेशेंट्स में यूज हुई, तो उससे क्या हुआ कि डिफरेंट पेशेंट्स को HIV हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ लाड़काना में इंसिडेंट हुआ था, सिंध के अंदर वो यही था कि लाड़काना में इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो फिजिशियन ने इंटेंशनली इन्फेक्टेड सिरिंजेस जो थी वो डिफरेंट बच्चों को और उनको लगाई थी, जिससे काफी बच्चों में काफी नंबर था उसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जिससे इन्फेक्ट किया था, तो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्रल एक्सपोजर। इसी तरह जो जितने भी आपकी ये जो होते हैं ना एडिक्ट्स होते हैं जो सिरिंज को शेयर कर रहे होते हैं, तो इनके अंदर भी अक्सर हम HIV टेस्टिंग कराते हैं, हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं क्योंकि शौकथन के अंदर HIV क्लिनिक है, तो हम अक्सर देखते हैं कि IV ड्रग यूजर जो एडिक्ट्स होते हैं ये भी HIV पॉजिटिव होते हैं, या ट्रांसजेंडर सेक्सुअली ट्रांसमिशन के अंदर ये ट्रांसजेंडर या जितने भी एनल सेक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं अनफॉर्चुनेटली वो होते हैं, और पेरिनेटल ट्रांसमिशन भी होता है कि मदर टू बेबी, इसमें ये ट्रांसमिशन होता है कि प्रीपार्टम यानी कि बेसिकली उसका जो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से या पोस्टमार्टम जो बच्चा उसमें था तो डिफरेंट फ्लूइड्स का एक्सपोजर की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड एक्सपोजर की वजह से बच्चे को रिस्क होता है, उसमें जनरली ज़िडोवुडीन दी जाती है, ज़िडोवुडीन मदर को भी दी जाती है बच्चे को भी दी जाती है, मैं आगे डिस्कस करूँगा मदर में किस इंडिकेशन में दी जाती है, बच्चे को तो जनरली देती ही देते हैं, और ये क्या था ट्रांसमिशन का रिस्क 23% टू कम कर देती है, 3-4% हम उसमें कहते हैं कि ये 2% तक कम कर देती है, ठीक है। उसमें भी था कि आपको फिर डिफरेंट इसमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं, स्ट्रेंजेस के अंदर ये है कि हमेशा स्टीराइल स्ट्रेंज यूज़ करें, डिस्पोजेबल स्ट्रेंज जिसकी कंसेप्ट है कि आप एक स्ट्रेंज को जू ही लें उसको फौरन डिस्कार्ड करें, डिफरेंट मेथड्स हैं ताकि ना उसकी नीडल को ब्रेक करें या इवन स्ट्रेंज को कट करें, डिफरेंट मेथड्स हैं अनफॉर्चुनेटली, हाँ जहाँ पर ये प्रैक्टिस लैक करती है वहाँ पर वही स्ट्रेंज रीयूज होने की चीज़ें होती हैं,
ब्लड के जितने भी अगर यूज हो रहा है उसको प्रॉपर टेस्टिंग की जाए ताकि कंटेमिनेटेड ब्लड किसी को ना लगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिनको डिफरेंट वजह से ब्लड लगे और ब्लड की वजह से इन्फेक्टेड पेशेंट की ब्लड लगने की वजह से उनकी इन्फेक्शन हो जाती है, या सबसे कॉमन है जिससे मैंने बताया कि हमारे यहाँ एक्चुअली ज्यादातर सेक्सुअल एक्सपोजर की वजह से। उसके बाद फिर आ जाते हैं प्रेप, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जिसको कहते हैं प्रेप। दो चीजें होती है, एक पेप होता है एक प्रेप होता है, ठीक है। प्रेप जिसको हम प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कहते हैं कि वही होता है जो इस किस्म के रिलेशन के अंदर है, सब्सटेंशियल रीजन इंक्लूडिंग एनीवन अनगोइंग रिलेशनशिप, अच्छा भी पॉजिटिव पार्टनर है, या उसमें ये भी होता है कि उसने जिसके साथ किया है उसका कोई नेक्स्ट इस किस्म का हुआ है, या जिसके साथ किया है उसका एचआईवी स्टेटस क्लियर नहीं है, या इस किस्म का कंडोम के बगैर उसने सेक्स किया है, या इस किस्म के डिफरेंट यानी मल्टीपल उसमें इन्वॉल्व है, मल्टीपल कहीं ना कहीं रिस्क एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। वहाँ पे आपके होता है जनरली इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, टेनोफोविर होता है और एम्ट्रासिटामिन यूज़ करते हैं 4 वीक्स के लिए यूज़ कर सॉरी इसके अंदर तो वो पेप में होता है, इसके अंदर तो वो जब तक वो इस किस्म के रिलेशन में है तब तक ये चलता रहता है ये चीज़। और उसमें ये होता है कि एवरी 90 डेज में हम HIV एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे होते हैं सो दैट के ये कहीं पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, और उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर तो पॉजिटिव आ जाती है तो फिर तो फुल ट्रीटमेंट की तरफ ले जाते हैं, प्रेप से निकल के फुल ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं। रीनल फंक्शन कर रहे होते हैं, रीनल फंक्शन क्योंकि टीनोफोविर मिल रही होती है, टीनोफोविर जो डायसोप्रोक्सेटिल फ्यूमरेट होती है इसमें थोड़ा सा रीनल टॉक्सिसिटी या रिस्क होता है, तो एवरी 6 मंथली हम ये जो होते हैं रीनल टेस्टिंग कर देते हैं। एल्फेनामाइड के साथ ऐसे रिस्क नहीं होता लेकिन वो आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ होती है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होती हैं, ठीक है। पर्पस बेसिकली होता है कि ये जहाँ पे आपका एक्सपोजर हो जाए तो आपको फिर पेप लेना चाहिए, या आपको यानी ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर यानी यहाँ पे आपको एक्सपोजर अवॉइड करना है इस किस्म का, अगर हो जाए खुदा खास्ता एक्सपोजर हो जाए तो उस केस के अंदर क्या होता है कि फिर काइंडली एक्सपोजर हो गया तो आप पे अप्लाई होता है, कुछ में होता है कि नहीं इस पे आपको एक्सपोजर हो गया तो ऐसा अप्लाई नहीं होता, ठीक है। यानी कि ब्लड पे एक्सपोजर हो गया है, ब्लड या बॉडी फ्लूइड स्पेशली वेजिनल या सीमन इस पे एक्सपोजर हो गया है, टिश्यू फॉर एग्जाम्पल टिश्यू भी जनरली क्या एक्सपोजर होता है, हमारे जो पैथोलॉजी वाले होते हैं किसी HIV पेशेंट का आगे उसमें नीडल से इंजरी हो गई या टिश्यू से कोई एक्सपोजर हो गया, CSF हो गया, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स या एनाटॉमिक फ्लूइड हो गया, कि यहाँ पे आपकी एक्चुअली जो वायरल लोड होता है, वायरल प्रेजेंस जो होती है वो ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, तो इसलिए ये जो फ्लूइड्स होते हैं इनके एक्सपोजर पे जब भी होगा आप पे यूनिवर्सल प्रिकॉशन अप्लाई होती है कि आपने प्रिकॉशन लेनी होगी एक्सपोजर पे, आप यानी कि बेयर हैंडेड इन पे एक्सपोज नहीं होंगे या जो भी उसमें आपका होगा, एज सच अप्लाई नहीं होता इसमें भी, आप ये अप्लाई यूनिवर्सल प्रिकॉशन अप्लाई नहीं होती लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है उसमें, फीसेस हो गया, नेजल सेक्रेशन, स्पूटम, स्वेट, टीयर्स, यूरिन, ब्रेस्ट मिल्क, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क में होता है कि बेबी जो फीड पे होता है जनरली उसमें थोड़ा रिस्क होता है, ऐसे यूनिवर्सल प्रिकॉशन अप्लाई नहीं होती लेकिन रिस्क इज देयर, आप अगर वो बेबी फीड पे है तो उसमें जनरली आपको प्रिकॉशन देनी पड़ती है। सलाइवा में भी प्रिकॉशन अगर डेंटरी प्रोसीजर किस्म का उसमें अप्लाई होता है। अब डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले ये होता है कि आप टेस्ट करते हैं HIV की एंटीबॉडी बेसिकली टेस्टिंग करते हैं, अगर तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो बस ठीक है, नहीं है अगर पॉजिटिव आ गया तो दोबारा कन्फर्म करते हैं कहीं फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है उसमें दोबारा चेक करने के लिए, ठीक है। तो उसमें तो एक दोबारा चेक करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं, अगर उसमें ठीक है जी पॉजिटिव आ गया तो फिर तो पॉजिटिव ही, अब दो टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं, अगर दूसरे में नेगेटिव आ गया तो फिर दोबारा एक तीसरा टेस्ट करने इंश्योर करने के लिए कि वाकई ये ट्रू नेगेटिव है, कहीं फॉल्स नेगेटिव तो नहीं है, तो ये जनरली होता है इंश्योर करने के लिए कि क्योंकि किसी पर्सन को अगर डायग्नोज HIV कर रहे हैं तो एक्चुअली HIV होना चाहिए, फॉल्स ये नहीं कि उसको रॉन्ग उस पर कर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली बाज़ों का ये भी होता है कि वो आपकी रिपोर्ट कोई एक्सचेंज हो गया, सैंपल बेसिकली काफ़ी एरर हो सकते हैं यानी कि आपका सैंपल किसी रॉन्ग लेवल होकर चला गया इस किस्म का, तो जब भी पॉजिटिव आएगा तो इनिशियली रीटेस्टिंग की जाती है इंश्योर कि बाकी ये एक्चुअली पॉजिटिव है, ये नहीं कोई फॉल्स, अगर दोबारा नेगेटिव आ जाता है तो फिर उसको इंश्योर करने के लिए कि अब ये जो नेगेटिव है ये ट्रू नेगेटिव है, और दोबारा टेस्ट करते हैं, अगर उसमें नेगेटिव है तो ठीक है उसको नेगेटिव कंसिडर करते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर उसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप उसके अंदर पहले सबसे पहले वही फोर्सनेशन बेसिकली उसमें टेस्ट होते हैं जिसमें इनिशियल होता है कि मिनिमम पॉसिबल जिसकी पिकिंग है कि आप उस पर वो टेस्ट पिक कर ले, जनरली होता है कि आपने 20+ कॉपीज कुछ 75 कॉपीज कहते हैं कुछ 20+ पॉजिटिव उस पर यानी पिक कर लें टीजन टेस्टिंग के अंदर,
तो जनरली जब भी एक्सपोजर होता है उसके 2 to 3 weeks के अंदर अगर तो कोई इन्फेक्शन हो गई है, कोई बंदा इन्फेक्ट हो गया है, वायरस एक्सपोज हो गया, तो ये 2 to 3 weeks के अंदर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर दूसरा होता है कि फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना होता है कि HIV 1 है या HIV 2 है। स्टेप 3 के अंदर फिर होता है HIV 2 अगर 1 है तो एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है कि उसको प्रॉपर सारा उसमें, तो वायरल सप्रेशन फिर नेक्स्ट हो जाता है कि टेस्ट फिर वायरल लोड, ठीक है। वायरल लोड जिस तरह मैंने शुरू में आपको बता दिया कि वायरल लोड जितना ज़्यादा होगा, डिजीज बर्डन जितना ज़्यादा होगा, उतना एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा, उतना CD4 काउंट ड्रॉप ज़्यादा करेगा, ये सारी चीज़ें। और वायरल लोड टाइम ऑन चेक होता रहता है, एवरी नाउ एंड बेसिकली पेशेंट्स का चेक करते रहते हैं हमारे पास, जब भी कोई थेरेपी चेंज होती है या थेरेपी स्टार्ट होने के बाद या डिफरेंट उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और हम जब भी हम कहते हैं कि हमारी जो थेरेपी है वो सक्सेसफुल है, अगर वायरल लोड आइडियली 20 से नीचे है या फिर 75 से नीचे वायरल लोड आपका है, तो फिर आप कहते हैं कि ठीक है जी आपकी वायरल सप्रेशन है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपकी फिर वायरल सप्रेशन प्रॉपर नहीं है, यानी कि जनरली हम जब भी होता है तो वायरल लोड देख रहे होते हैं। अगर पेशेंट एक ART रिसीव कर रहा है, उस पर वायरल लोड बढ़ रहा है, तो हमारे जहन में दो चीज़ें आती हैं, या तो पेशेंट प्रॉपरली ले नहीं रहा, उसे पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, क्या वो एंटीवायरल प्रॉपरली ले रहा है नहीं ले रहा, ART प्रॉपरली ले रहा है नहीं ले रहा। अगर उसके कोई कंसर्न हैं, कोई रीजन हैं, तो उनको एड्रेस किया जाता है टू इंश्योर कंप्लायंस, ठीक है। अगर तो वो प्रॉपरली ले रहा है, पेशेंट कहता है कि मेरी कंप्लायंस 100% है, और उसके बावजूद वो इंक्रीज कर रहा है, तो उसमें फिर हम रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं करते हैं और अपनी जो रेजिमेन होती है उसको चेंज करते हैं, उसमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। सो दैट उसमें फिर दोबारा इसी तरह टेस्टिंग करते हैं कि जो हमने रेजिमेन चेंज किया क्या उससे वायरल एक्सप्रेशन हो रही है, क्या उससे वायरल नंबर ड्रॉप कर गया है, ठीक है। उसमें वही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल लोड इसका भी था कि न्यूली डायग्नोज अगर HIV है तो उसमें एवरी 3 to 2 months अगर कर रहे होते हैं, ठीक है, बेसलाइन से हम उसमें कर रहे होते हैं। और अगर तो नई थेरेपी स्टार्ट की गई है या कुछ चेंज हुई है तो 2 to 4 weeks के अंदर करते हैं, और उसमें इंश्योर करते हैं कि 8 weeks से ऊपर नहीं, यानी कि 2 months से ज़्यादा नहीं, 1 month में जनरली हम कर लेते हैं, अगर 1 month से ऊपर है तो 2 months नहीं, 2 months के अंदर अंदर दोबारा हम उसका वायरल लोड टेस्ट करते हैं, जब इनिशियली हम इनिशियल फेज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। या फिर आपने जिस तरह मैंने कहा कि वायरल लोड आपने जो 3-4 महीने बात कराया तो उसमें चेंज था, तो आपने जो रेजिमेन चेंज किया तो उसके बाद फिर आपने दोबारा देखना पड़ता है कि वायरल एक्सप्रेशन आपकी कैसी जा रही है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फिर जो जो आपकी वायरल एक्सप्रेशन ठीक है, पेशेंट की कंप्लायंस बेहतर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर आप ड्यूरेशन इंक्रीज कर लेते हैं 3 to 4 months, और उसको फिर ज़्यादा उस पर हैं तो आपको फिर उसको 6 months भी ले जा सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर आपको लगता है क्लिनिकल डिसीजंस है कि वायरल लोड बढ़ रहा है, इस किस्म की चीज़ें, साथ में आप CD4 काउंट भी देख लेते हैं जनरली, अदरवाइज इसको 2 years उसको भी करते हैं। CD4 काउंट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम नहीं करते, लेकिन इनिशियल फेज के अंदर CD4 काउंट लाजमी करते हैं, या जहाँ पे आपको लग रहा है कि वायरल लोड थोड़ा परसिस्टेंटली ज़्यादा जा रहा है, तो फिर साथ में हम CD4 काउंट देखते हैं। इनका कोरिलेशन क्या है कि वायरल लोड जितना कम होगा, जितना वायरस को आप सप्रेस करेंगे, उतना आहिस्ता आहिस्ता आपका CD4 काउंट इम्प्रूव होगा। आपने ये दोनों चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल CD4 काउंट लो था तो CD4 काउंट इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, इम्प्रूव हो गया तो क्या वो इम्प्रूव रह रहा है कि नहीं रह रहा, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ देखनी होती हैं। वायरल लोड को भी देखना होता है और CD4 काउंट को भी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं। वायरल लोड ज़्यादा होगा तो CD4 काउंट ड्रॉप करेगा, क्योंकि जितना वायरल लोड ज़्यादा होगा उतना वो आपके जो CD4 सेल्स होते हैं उतना उन पर इफेक्ट करेगा, उतना जितने वो इफेक्ट होंगे उतने वो डिस्ट्रॉय होंगे, उतना नंबर ड्रॉप करेगा। जितना वायरल लोड कम होगा उतना वो लेस रिस्क पे होंगे, उतना आहिस्ता आहिस्ता फिर रीजनरेट बॉडी शुरू करेगी और उनका नंबर इंक्रीज होगा। चीज़ें मैंने आपको शुरू में बता दी हैं कि मैयर ऑफ बेसिकली इम्यून फंक्शन उसमें होता है कि वही होता है कि बेसिकली CD4 काउंट जितना आपका बेहतर होगा उतना अपॉर्चुनिस्टिक है। बेसिकली ART का पर्पस क्या है, HIV को आप ट्रीट नहीं कर सकते, ये ट्रीटमेंट जो होता है लाइफ लॉन्ग चलता है, ठीक है। आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं कि जिस तरह हेप सी के केस के अंदर हम उसको 12 weeks के लिए जिस तरह ट्रीट कर देते हैं तो ठीक है नहीं, या फिर डिफरेंट उसमें आप जिस तरह ये रेमडेसिविर ठीक है 5 दिन या 10 दिन दे देते हैं इसके लिए, या जिस तरह हेप बी के डिफरेंट उसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं क्या नाम होती है बहरहाल वो हम डिफरेंट एंटीकवर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें जनरली आपका लाइफ लॉन्ग होता है, और इसमें आपका जो टारगेट क्या होता है कि वो जो वायरल लोड प्रेस करके रखना और CD4 काउंट जनरली एटलीस्ट 400 से ऊपर आपका रहे, ये आपके टारगेट्स होते हैं आपके बेसिकली एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के। क्योंकि जो रिस्क है मैंने शुरू में बता दिया कि HIV तो बेसिकली क्या करता है वायरल लोड से करता है CD4,
एक्चुअली वायरस नहीं मारता, वो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पेशेंट को लगती हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो कि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से पेशेंट को अफेक्ट करती हैं, उससे आप पेशेंट को तो प्रोटेक्शन किससे कर रहे हैं आप बेसिकली जो इन्फेक्शन हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन से पेशेंट को बचा रहे होते हैं। आपका टारगेट क्या होता है, पेशेंट की लाइफ प्रोटेक्ट करना अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो ज़हन में रखें आप एच आई वी का ट्रीटमेंट क्यों कर रहे होते हैं, वायरल लोड को सप्रेस करना। वायरल लोड क्यों सप्रेस हो, ताकि आपका सी डी फोर काउंट इम्प्रूव हो, सी डी फोर काउंट ड्रॉप ना हो। सी डी फोर काउंट ड्रॉप नहीं होगा तो लेस रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ठीक है। तो उसमें भी होता है कि जब क्लिनिकली सिग्निफिकेंस तब होती है जब सी डी फोर काउंट एटलीस्ट 30% ऊपर नीचे होता है, तो हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। उसमें फिर आप डिफरेंट मेजर्स लेते हैं। सी डी फोर काउंट जनरली जो ड्रॉप करता है जब एक वायरल इन्फेक्शन होती है 50-80 सेल्स पर मीटर बेसिकली उसमें ड्रॉप करता है, लेकिन ये एक जनरल आपका है, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ठीक है। पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ें फैक्टर करती हैं, लेकिन ऑन एवरेज ये होता है कि जो जब भी एच आई वी इन्फेक्शन होती है तो ऑन एवरेज ईयरली बेसिस पे ये 50-80 सेल्स पर मीटर से ड्रॉप करता है, ठीक है। और जब यही होता है कि आप एक पोटेंट कम्बिनेशन दे रहे हो और आपने वायरल सप्रेशन अचीव कर लिया, तो फिर होता है कि 50-100 सेल्स पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ये इंक्रीज करता है। तो आपका बेसिकली टारगेट वही होता है कि उसको नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन करना। और हमेशा याद रखें जब एआरटी आप स्टार्ट करते हैं तो ओवरनाइटली पेशेंट ठीक नहीं होता है, क्योंकि सी डी फोर काउंट की जो रिकवरी है दैट्स ऑल्सो ए स्लो प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। इसलिए आपको इंश्योर करना पड़ता है कि पेशेंट की कंप्लायंस बेहतर है, पेशेंट के साथ आपको इंटरेक्शन में रहना पड़ता है, क्लिनिकल विजिट्स या फिर उसको ऑन फोन कॉल जिस तरह भी होता है आपको पेशेंट के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं, सो दैट इंश्योर कंप्लायंस, ठीक है। बेसिक उसमें होता है कि पहले ही होता है कि आपने इनिशियली करना है, उसके ऊपर एवरी 5 मंथली फिर आप सी डी 12 मंथली फिर करा रहे होते हैं, और आप जब स्टेबल हो जाते हो तो फिर 2 ईयरली और या जब आपको जरूरत लगे तो आप करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरल लोड बढ़ा है, आपको थोड़ा डर लगा है कि नहीं सी डी फोर तो ड्रॉप नहीं हुआ, तो आप सी डी फोर देखने के लिए दोबारा से टेस्टिंग करा लेते हैं, क्योंकि सी डी फोर अगर ड्रॉप होता है तो फिर आपको डिफरेंट अदर मेजर्स पी एक्स जो आपको। तो बेसिकली प्राइमरी इन्फेक्शन भी होता है कि अबाउट 40-12 सिम्टम्स फ्रॉम प्राइमरी इन्फेक्शन होते हैं, अब्रप्ट ऑनसेट 3-40 वही बेसिकली इन्फेक्शन जब भी होता है उसमें जनरली होता है। इम्यूनाइजेशन सी डी फोर काउंट वाली क्या होता है कि सबसे पहले तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल दे रहे होते हैं ताकि उससे प्रोटेक्ट करना होता है। नीमोकोकल वैक्सीन PCV13 PCV23 दे रहे होते हैं, पहले PCV13 देते हैं उसके 8 वीक्स लेटर बेसिकली PCV23 दे देते हैं, और उसके बाद अभी जो 5 ईयर होता है PCV PPSV23 दे रहे होते हैं पॉलीसेक्राइड। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जितने भी पेशेंट एच आई वी वाले होते हैं उनका हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं, और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट पाकिस्तान ट्रेवल कर रहा है या उन एरियाज के अंदर जहाँ पे ज्यादा है तो उनको हम लाजमी वैक्सीनेट करते हैं। मेनिंजियोकोकल वैक्सीन भी हम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये भी इनका भी ज्यादा होता है, जनरली 11-26 ईयर एज के अंदर हम उसमें कर रहे होते हैं, ठीक है। एच आई वी ट्रीटमेंट के अंदर जब भी उसमें होती है तो कुछ होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जो सबसे कॉमन हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इनहिबिटर्स होते हैं और नॉन न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, इंट्री इनहिबिटर्स होते हैं और इंटेग्रेज इनहिबिटर्स होते हैं जिसको INSTIs कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट क्लासेस हैं, मैं थोड़ा सा आगे जाकर इनको फर्दर इन पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रेगनेंसी के अंदर पहली चीज़ तो ये है कि अगर तो फीमेल एच आई वी की प्रेगनेंट वोमेन है और कोई एच आई आर टी रिसीव नहीं कर रही तो फिर आपके क्या मेजर्स होंगे, या फिर प्रेगनेंट वोमेन है कि जो पहले से रिसीव कर रही है तो फिर आपका क्या होगा, लेबर के अंदर है तो फिर क्या होगा, और इन्फेंट्स जो कि इन्फेक्टेड मदर से उनमें क्या होगा। अगर तो प्रेगनेंट वोमेन है विद एच आई वी रिसीविंग नो ए आर टी, वो क्योंकि कोई ए आर टी रिसीव नहीं कर रही है उसमें फिर वो ये था कि डुअल एनआरटी है और साथ में इंटेग्रेज इनहिबिटर उसको एक दे देते हैं, ठीक है। एनआरटी अब जनरली जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो टिनोफोफिर डॉसिप्रोक्सिल और एमट्रासीटामिन या फिर लैमिवुडीन। एमट्रासीटामिन को जनरली प्रेफरेंस ये करते हैं कि ये थोड़ा प्रेगनेंसी कैटेगरी बी होता है, लैमिवुडीन सी होता है, लेकिन ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ऐसे कोई कंट्रा इंडिकेशन इसकी नहीं होती है। बाकी अगर लैमिवुडीन इसमें या टिनोफोफिर के साथ एमट्रासीटामिन या लैमिवुडीन, और इसमें फिर दूसरा भी तो रिटोनाविर बूस्टेड, रिटोनाविर क्या चीज़ है, एक प्रोटीएज इनहिबिटर है, लेकिन जनरली एज ए बूस्टर हम यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर।
एज ए बूस्टर क्या यूज कर रहे हैं कि ये CYP3A4 का इनहिबिटर होता है, जब ये इनहिबिट करता है तो उससे क्या होता है कि वो जो इसे मेटाबलाइज हो रही होती हैं उनकी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाती है तो उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इस तरह उनकी अवेलेबिलिटी को बूस्ट करता है। तो रिटोनावर एक्चुअली बूस्टर का काम कर रहा होता है, ठीक है, मसलन एटाजानावर रिटोनावर हो गया या ड्रोनावर रिटोनावर हो गया, और INSTI जो यूनिट इसमें हम यूज कर रहे होते हैं रेलटेग्रावर यूज कर रहे होते हैं। डोलटेग्रावर को याद रखें यूज होती है, लेकिन डोलटेग्रावर को स्पेशली अगर तो इनिशियल फेज है या स्पेशली जो फर्स्ट 3 months से फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या इनिशियल फेज है तो उसके अंदर डोलटेग्रावर को अवॉइड करते हैं। जनरली इसको प्रेफरेंसली प्रेगनेंट वुमेन्स के अंदर हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट TLD या TED इस पे है और स्टेबल है तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे, जिस पे भी स्टेबल हम छेड़ेंगे नहीं, हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। और जब भी आप स्टार्ट करने लगे अगर न्यू केस है तो फिर पहले हमेशा रेजिस्टेंस टेस्टिंग लाजमी करेंगे, सो दैट के आपने अगले 9 months का होता है तो वन वीक जितना वेट करने में कोई इशू नहीं होता, आप पहले रेजिस्टेंस टेस्टिंग कर लेते हैं ये देखने के लिए कि जो आप यूज जो रेजिमन स्टार्ट करने लगे हैं उस पर सेंसिटिविटीज आपकी बिल्कुल ठीक है, उस पर कोई सेंसिटिविटीज की आपकी इशू नहीं है। और मैंने इस तरह बता दिया कि अगर तो ठीक है रिसीव कर रही है तो फिर उसको स्टार्ट ही रखेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद अगर तो लेबर के अंदर है, नियर डिलीवरी है, तो अगर तो जो वायरल लोड है वो 1000 से ज्यादा है तो फिर हम IV Zidovudine यानी 1 gram इंजेक्शन जो एडमिनिस्टर कर देते हैं प्रीपार्टम डिलीवरी से पहले पहले, अगर कंट्रोल में है, इफेक्टिव ART पे है, सप्रेशन है, फिर सारे जो फिर IV Zidovudine कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बात कर दी मदर की। अब न्यू बॉर्न बेबी पैदा हुआ है तो जब भी HIV पॉजिटिव मदर है, वेदर स्टेटस जनरली उसके तो हम 0.4 mg पर kg पर डोज एवरी 12 आवरली 6 weeks तक देते हैं, ठीक है, फॉर 6 weeks 0.4 mg पर kg एवरी 12 आवरली न्यू बॉर्न जो कि मदर से पैदा होगा, ठीक है। और निवेरापीन NNRTI बेसिकली होती है वो 8-12 mg पर kg बस टाइम पे दे देते हैं और उसके 48 आवर्स लेटर, और उसके फिर ठीक है जो सेकेंड डोज होती है, पहली डोज मिली है बर्थ टाइम पे, उसके 48 आवर बाद दूसरी डोज, और दूसरी डोज से 96 आवर बाद, यानी कि पहली डोज उससे एक दिन छोड़ के, यानी 48 आवर्स लेटर 2 दिन बाद, यानी कि दूसरी डोज, और उससे फिर अराउंड 4 दिन बाद आप तीसरी डोज लगा देते हैं निवेरापीन की, साथ में दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने जो शुरू में हमें बता दिया कि वो 23% रिस्क को कम कर देती है 3-4% पे, निवेरापीन के साथ जब ऐड कर देते हैं तो ये रिस्क तकरीबन 2% तक रह जाता है। और AAARV थेरेपी Zidovudine, Lamivudine, निवेरापीन भी दे सकते हैं, फ्लोरस ट्रांसमिशन Zidovudine ओनली भी ठीक है अगर तो मदर वो प्रॉपर प्रिवेंशन वगैरह सारा कुछ ले रहती है। उसके बाद फिर होता है कि पोस्ट पेप, मैंने शुरू में बात की प्रेप की, अब थोड़ा सा बात हो रही है पेप की। पेप में होता है एक नॉन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है जिसमें वही है सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया या इस किस्म का कोई सिचुएशन सेक्सुअल एक्सपोजर हो गया, उसमें विद इन 72 आवर्स आपने क्या होता है कि ARV स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। और दूसरे में होता है कि ऑक्यूपेशनल, फॉर एग्जाम्पल आप फिजिशियन हैं, नर्स हैं या इस किस्म की उसमें है, तो उस सिनेरियो के अंदर ये होता है कि आपको विदिन आवर्स, जिसमें हमारा नीडल स्टिक इंजरी का हमारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है कि जो ही कोई नीडल स्टिक इंजरी होती है ब्लड कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट से और आपको स्टेटस पेशेंट का नहीं पता, तो एज सून एज पॉसिबल जाके आप अपने सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर क्या करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल को और हमारे जो होता है दूसरे उसको, ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल एज सून एज पॉसिबल सारा वर्कअप करता है, पेशेंट की हिस्ट्री चेक कर लेता है, नहीं तो पेशेंट की टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं और हम पेशेंट को ARV पे स्टार्ट कर देते हैं। पेशेंट के रिजल्ट बाद में आते रहेंगे HIV टेस्टिंग के, हम जो अपना जो एम्प्लॉय होता है जो इफेक्ट होता है उसको हम ARV पे स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट 4 वीक के लिए, अगर तो उसके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं क्लियर होता है तो फिर ARV रोक सकते हैं, उस तरह होता है, लेकिन हम वेट नहीं करते, एज सून एज पॉसिबल बाकी रिजल्ट्स बाद में आते रहेंगे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, 3 ड्रग जनरली होती है, ठीक है, जिसमें टिनोफोविर होती है, लेमिवुडीन या फिर एम्ट्रासिटाबीन, और फिर रेलविटेग्रावर या फिर डोलटेग्रावर। रेलविटेग्रावर एक BID में होती है, डोलटेग्रावर सिंगल डोज के अंदर होती है, ठीक है। डोलटेग्रावर जनरली हम मॉर्निंग में कहते हैं, नाइट पे कुछ पेशेंट्स हमारे पास आए थे इंसोमिया कॉज करती है तो सीधी हम कहते हैं कि इवनिंग या नाइट मॉर्निंग में TLD हमारे पास पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो TLD टोफोविर, डॉक्सप्रोसिन, लेमिवुडीन और डोलटेग्रावर, तो हम TLD जनरली देते हैं। बहरहाल एम्ट्रासिटाबीन को उसमें रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं कि न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड RTS जिनको NRTI कहते हैं। NRTI के अंदर बेसिकली लेक्टोसिडोसिस और हेपेटिक स्टेनोसिस ये करती हैं, ठीक है। Abacavir के केस में HLA-5701 ये बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ ड्रग्स से पहले हम कर रहे होते हैं, आगे ड्रोनावर पे भी आप देख रहे होंगे, या फिर मसलन ये हमारे कुछ पेशेंट जो लॉन्ग टर्म पे चल रहे होते हैं उस पर भी कर लेते हैं
चले पर वो ये होता है कि रैश कर इसको होता है कि हम हाला बी बेसिकली कहते हैं 5701 इससे होता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो पेशेंट को हाई रिस्क ऑफ स्किन रैश स्किन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का रिस्क होता है तो उसमें होता है कि हम ये रूल आउट कर लेते हैं अगर ये पॉजिटिव हो तो इनको फिर अवॉइड करते हैं अगर ये नेगेटिव है तो फिर इनको ये दे सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसी तरह कुछ आगे जाके वो मिस बताएंगी कि जब फॉर एग्जाम्पल वो तो पी सी पी का प्रोफिलैक्सिस देना हो या ट्रीटमेंट देना हो तो आप ये टेस्टिंग कर लेते हैं उसकी G6PD की टेस्टिंग कर लेते हैं अगर G6PD डेफिशिएंट हो तो हम फिर कोट्रामोक्सोल इसको स्पेशली उसमें फिर अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जा रहे होते हैं या सल्फा एलर्जी होती है तो उस केस में फिर अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जा रहे होते हैं तो वो चीज़ें आपके जहन में सारी होनी चाहिए ठीक है एम्ट्रासिटामिन के साथ रैश और हाइपर पिगमेंटेशन का रिस्क होता है एम्ट्रासिटामिन का मैंने आपको बता दिया कि प्रेफर क्यों किया जाता है प्रेगनेंसी कैटेगरी बी है इसलिए प्रेप और पेप दोनों के अंदर एम्ट्रासिटामिन आती है प्रेफर की जाती है ठीक है लैमिवुडीन रेजिस्टेंस ज्यादा होती है मोनोथेरेपी में कभी वैसे एम्ट्रासिटामिन को भी मोनोथेरेपी में नहीं देते लैमिवुडीन वगैरह ये कॉम्बिनेशन में जाते हैं कभी भी अलोन एज सच नहीं होती टेनोफोवर इनके साथ ही जुड़ी हुई है ज़िडोवुडीन बोन मैरो सप्रेशन करती है ये भी पिगमेंटेशन ये चीजें करती है ठीक है टेनोफोवर मैंने आपको बताया कि GI और रीनल टॉक्सिसिटी ये GI दोनों करती है अल्फेनामाइड भी करती है ठीक है और डायसोप्रोक्सीटेल भी करती है लेकिन जो रीनल टॉक्सिसिटी होती है अल्फेनामाइड की कम होती है जो अब्सॉर्प्शन होती है वो भी अल्फेनामाइड की रिलेटिवली बेहतर होती है ठीक है अल्फेनामाइड की बेहतर उसमें होती है उसके बाद फिर नॉन न्यूक्लियोसाइड NNRTIs इसमें एफेवरिन आ जाते हैं ठीक है एट्रावीरिन होती है नेवेरापीन होती है रेवलपीरिन होती है ठीक है बेसिकली इसमें होता है कि प्रोटॉन जो रेलपेवरीन होती है इसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ हम अवॉइड करते हैं या जितनी मेडिसिन क्योंकि इसकी अब्सॉर्प्शन को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं जनरली अवॉइड करते हैं रैश का रिस्क भी होता है एफेवरिन अगेन CD4, CD3A4 के बेसिकली इंड्यूसर्स होते हैं तो ये भी रैश वगैरह और CNS सिम्टम्स एफेवरिन के साथ CNS एक्चुअली पेशेंट्स बाज़ों का CNS सिम्टम्स के साथ एफेवरिन पहले तो बहुत कॉमन यूज होती थी अब इनका थोड़ा यूज़ कम हो गया है पहले काफ़ी पेशेंट CNS सिम्टम्स के साथ आते थे हेडेक इंसोम्निया इस किस्म की चीज़ें कंप्लेंट करते थे एट्रावीरिन के साथ भी तकरीबन वही चीज़ें आ जाती हैं बहरहाल ये होता है कि इनका एक तो रिफ वगैरह देते हैं ATD वगैरह स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त भी इनके पंगे होते हैं ठीक है टेनोफोवर जो एम्ट्रासिटामिन या लैमिवुडीन उनके ऐसा ये चीज़ें हैं नहीं तो वो पंगे हैं नहीं ATT जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो सेफ होते हैं जब भी ATT स्टार्ट करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल डोल्टाग्राविर का हमें पंगा होता है डोल्टाग्राविर को हमें BID करना पड़ता है Q24 से रेलविटाग्राविर का भी इसी तरह ही होता है तो वो हमें ये चीज़ें भी साथ में देखनी पड़ती हैं कि दूसरे तो नहीं है प्रोटीएस इनहिबिटर्स के अंदर एटाजानाविर है ड्रोनाविर और फॉस्प्रेनाविर होता है लोपिनाविर रिटोनाविर इसलिए अगर शुरू में आपको याद होगा अगर तो आप इन टच रहे हो कि इनको उसके लिए भी पिट किया गया था इसमें ये कोरोना वायरस की जो इनिशियल जो था जो सॉलिडेरिटी ट्रायल में अगर किसी को आईडिया तो सॉलिडेरिटी ट्रायल जो WHO की तरफ से स्टार्ट किया गया था उसके अंदर ये था कि ये जो था लोपिनाविर रिटोनाविर था इसको इनिशियली टेस्ट किया गया था इसको स्टडी किया गया था कुछ स्टडीज आई कि नहीं जी ये तो बड़ी इफेक्टिव है इसको कंट्रोल करने में तो ट्रायल इसका रन हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली जब प्रॉपर रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया गया तो उसके अंदर इतनी कोई एफिकेशियस नहीं थी मेटा एनालिसिस के अंदर भी इसका एफिशिएंसी नहीं तो फिर इसको ड्रॉप कर दिया गया ठीक है इनके भी वही होते हैं मैंने शुरू में बता दी कि प्रोटीएज इनहिबिटर्स के पंगे होते हैं CYP3A4 के साथ ठीक है इनहिबिटर्स होते हैं CYP3A4 के रिटोनाविर का मैंने आपको बता दिया कि इसको दे ही एज ए बूस्टर रहे होते हैं क्योंकि इनहिबिट करती है और दूसरों की उसको अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है दूसरा होता है कि एंडोक्राइन इनके पंगे होते हैं इंसुलिन टाइप 2 इंड्यूस कर देती हैं बेसिकली सेंसिटिविटी ड्रॉप कर देती है इंसुलिन की इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ ये करती हैं लिवर को भी थोड़ा सा करती है एंटीकोगुलेशन इनके होते हैं ड्रग इंट्रैक्शन मैंने शुरू में बता दिया कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ इनके साथ इनके ये क्योंकि CYP3A4 जहाँ पे आ गया और एब्जॉर्प्शन इसके लिए इनके पंगे होते हैं इंटीग्रेज इनहिबिटर्स ठीक है इसके अंदर जो सबसे कॉमन आपकी इधर यूज़ हो रही है वो डोल्टाग्राविर है और रेल्टाग्राविर है ये दो कॉमनली बेसिकली इसमें यूज़ हो रही होती हैं ठीक है और इनमें भी होता है कि रेल्टाग्राविर इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम बेसिकली इंक्रीज कर देती है क्रिएटिनिन काइनेज करते उससे थोड़ा बहुत आता है डोल्टाग्राविर भी कभी इससे यही रोल होते हैं एल्विटाग्राविर के भी होते हैं डोल्टाग्राविर का मैंने आपको बताया कि इंसोमिया भी कॉज करती है बाइलरी स्लेजिंग भी कहीं पर कहीं करती हैं बाइलरी स्लेजिंग से बताता है कि ट्रैक में थोड़ा सा जाके वो स्लज बनाती हैं जो गॉल ब्लैडर होते हैं जिस वजह से आप ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ होते हैं जॉन्डिस कर सकती हैं ठीक है जब भी उसमें होता है तो ऑप्टिमल आप जब भी आपने देखा है तो उसमें क्रिएटिनिन क्लियरेंस को वो लाजमी देख रहे होते हैं ठीक है अगर तो 70 से ऊपर है तो ठीक है डायसोप्रोक्सिन फ्यूमारेट अगर ठीक है 30 से उसमें नीचे
ड्रॉप कर रही है उसमें फिर आप एल्फेनामाइड को प्रेफर करते हैं जनरली, इसका यूज़ है कि 30 से ऊपर ऊपर है और उससे उस पर है तो जनरली आप इसको प्रेफर करते हैं। क्रिएटिन क्लियरेंस को आपको माइंड में रखना है कि 70 से ऊपर ऊपर है, फिर डाइसोप्रोक्सीटेल अगर 30 से ऊपर है तो फिर एल्फेनामाइड को हम प्रेफर करते हैं यानी कि जनरली इसमें करते हैं। और अब कहाँ पे आप चेंज करते हैं, मैंने शुरू में आपको ये चीज़ें बता दी हैं, शुरू में आपको मैंने ये चीज़ें कुछ क्लियर की हैं कि प्रैक्टिकल रीजन है कि पेशेंट ले नहीं पा रहा, कंप्लायंस को हमेशा देख रहे होते हैं, दूसरा पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर अवेलेबिलिटी कम देख रहे होते हैं, जिस तरह कुछ दिनों पहले अब गवर्नमेंट की तरफ से मैं आ गया कि TLE का स्टॉक शॉर्ट है, हमारे पास बड़ा कम स्टॉक पड़ा हो गया, मैंने अपनी IT टीम को इन्फॉर्म करना है कि देखें हमारे पास स्टॉक कम है, जो TLE पे पेशेंट है उनको हमें TLD पे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है, तो एलविटेग्रावर वाले जो बेसिकली पेशेंट्स हैं उनको स्विच करना पड़ेगा TLD पे या जो भी अगले मैयर्स होंगे हमें लेने पड़ेंगे अनअवेलेबिलिटी। इसी तरह लोपेनावर टोनावर शॉर्ट हो गई थी पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं उसको हमने मैनेज करना है, उसमें फिर हमें अपने सारे वो करने पड़ते हैं प्रैक्टिकल रीजन को कहते हैं कि बेसिकली, या फिर पेशेंट की कंप्लायंस का इशू है, कुछ पेशेंट कहते हैं मुझे फलाना ड्रग टॉलरेट नहीं हो पा रही तो आपको फिर डिफरेंट अदर साल्ट ऐड करना पड़ता है। वायरल सप्रेशन 200 सुपर कॉपीज जा रही है, फिर आप कहते हैं कि वायरल सप्रेशन आप प्रॉपरली अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसके अंदर फिर या तो फिर ऐड करते हैं फर्दर या फिर कोई चीज़ रिप्लेस करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस टेस्टिंग करा के उसमें फिर उसको एडजस्ट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। और वायरोलॉजिक बढ़ा रहे लेवल्स मोर देन ठीक है इनिशियल सप्रेशन वे डिफरेंट उस पर हो गया। इम्यूनोलॉजिक फेलियर वही होता है कि CD4 काउंट अगर उससे ठीक है ड्रॉप करना शुरू हो गया, उससे ऊपर चल रहा है तो ठीक है, अगर उसे ड्रॉप कर रहा है तो फिर आपको थोड़ा टेंशन होना लग जाती है कि क्या वजह है। वायरोलॉजिक फेलियर उसमें बेसिकली सबसे अगर तो हो रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, मैंने वही बता दिया कि आप रेजिस्टेंस टेस्टिंग करा लें कि कोई रेजिस्टेंस का इशू तो नहीं है, अगर तो रेजिस्टेंस टेस्टिंग के अंदर आपकी वो ठीक है कि रेजिस्टेंस नहीं है सेंसिटिविटी है तो फिर दूसरी चीज़ें देख लेते हैं कि क्यों नहीं हो रही, क्या पेशेंट कंप्लायंस का इशू है, क्या पेशेंट प्रॉपरली ले तो नहीं रहा, एडहेरेंस पेशेंट की ठीक है, इस किस्म की कोई चीज़ें तो नहीं है, या फिर कोई ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं आ रहा, कोई फार्माकोकाइनेटिक इशू तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कहता है कि जी मुझे तो आपने TLD पेशेंट को दी है वंस डेली पे और आपको नहीं पता पेशेंट को कोई बाहर किसी पल्मोनोलॉजिस्ट को उसने दिखा और उसने ATT स्टार्ट करा दी है और वो ATT ले रहा है, तो उस वजह से एकदम आपका जनाब वायरल लोड बढ़ना शुरू हो गया, चीज़ें आप परेशान हो गए कि क्या है कि आप वायरल रेजिस्टेंस टेस्टिंग कराते हैं वो भी ठीक है, पेशेंट की कंप्लायंस भी ठीक है, फिर क्या इशू है, फिर आप पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री सारा ढूंढते करते हैं तो पेशेंट बताते हैं मैं तो ATT ले रहा हूँ। बाद कुछ पेशेंट वही पता कि एजुकेटेड पेशेंट तो बताते हैं, हमारी तरह पेशेंट वो बताते भी एग्जैक्ट हिस्ट्री भी नहीं देते हैं, या पेशेंट फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इस किस्म की कोई चीज़ें मैदा ख़राब हुई और समझा के लेना शुरू कर दिए, तो इस किस्म के ड्रग इंट्रैक्शन या डिफरेंट चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि जनरली हम इसको फिर मॉडिफाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डोलोटेग्रावर BID में कर देते हैं, डिफरेंट आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, या तो उसी को दोबारा स्टार्ट करते हैं अगर तो पेशेंट कंप्लायंस का इशू है, तो फिर पेशेंट एजुकेशन करते हैं, इस तरह सारा कुछ पेशेंट को करते हैं कि आप ये नहीं लोगे तो फिर आपको उस पर, या फिर होगा अगर कोई एड्रेस होने वाली चीज़ है तो उनको एड्रेस करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस टेस्टिंग के अंदर दो चीज़ होती हैं, एक जीनोटाइपिक टेस्टिंग होती है, एक फीनोटाइपिक टेस्टिंग होती है, ठीक है। टेस्टिंग म्यूटेशन उसमें आप बेसिकली म्यूटेशन जीन्स को देख रहे होते हैं कि क्या उस वायरस के अंदर वो म्यूटेंट जीन मौजूद है, अगर वो जीन मौजूद है तो फिर आप पंगा ही नहीं लेते। फीनोटाइपिंग में होता है कि बाज़ूकात वो रेजिस्टेंस जीन नहीं होता लेकिन उसकी कोई और चीज़ आ चुकी थी, कोई और जीन रोल प्ले कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल बेसिकली उसमें रेप्लिकेशन को इफेक्ट प्रॉपर, या पेशेंट अपने बेसिकली वायरस होता है अपनी कोई प्रॉपर्टीज दूसरी चेंज कर लेते हैं, जो आपकी यूनिट टेस्टिंग के अंदर जो इनिशियली आपका था उसमें वो नहीं है, ठीक है। बेसिकली कंसल्टेशन नीडेड टू बेसिकली अब ये देखते हैं कि क्या वो कंसल्टेशन आप प्रॉपरली उस पर हो रही है, फिनोटाइपिंग इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस पेशेंट विद कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस स्पेक्ट्रम, उसमें हम देख रहे होते हैं। और उसमें वही होता है कि इनिशियली वो सारी चीज़ें वही आती है कि डिफरेंट जितने भी पेशेंट्स आपके जो न्यू पे स्टार्ट किए गए हैं या प्रेगनेंट फीमेल हैं या सब ऑप्टिमल सप्रेशन जिनमें होती है, तो उनमें सारों में आप ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं और बार बार कर रहे होते हैं और रिव्यू चीज़ों को कर रहे होते हैं, सो दैट टू अचीव वायरल सप्रेशन एंड इम्प्रूव CD4 काउंट। क्वेश्चन है इसमें एक वही है कि के इज़ ए 29-year-old asymptomatic patient with HIV पॉजिटिव। asymptomatic पेशेंट इनिशियली मैं आपको बता दी है, आपने इस चीज़ को नोट करना है, HIV पॉजिटिव है, ठीक है। शी इज रिसेंटली फाउंड आउट शी इज प्रेगनेंट एंड एस्टिमेटेड टू बी अर्ली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब चीज पॉइंट आपने हमेशा कुछ नोट करते जाए, हर CD4 काउंट वाज 170, CD4 काउंट अब इसका कम है 200 से नीचे है, हर वायरल लोड वाज 100,000 कॉपीज पर ML, ठीक है। फर्स्ट काउंट के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR उसका जो किया गया था, ठीक है। बेसिकली
which is the best therapy for kid to prevent HIV transmission in child. No drug nahi apne dena to pehle ji to pehla wahi pe nikal gaya. Administration zidovudine 3 mg twice daily orally throughout the pregnancy following by zidovudine during labor and kya ye sakta hai. No drug therapy is needed but administer single dose of ART. Administer a potent combination of entry retroviral regimen. ठीक है तो उसमें पहले हम क्लियर कर चुके हैं कि सिंगल ड्रग ऐसा सच उसमें नहीं होता आपको एक पोटेंट कम्बिनेशन देना पड़ता है उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी प्रेगनेंसी में सेम है और आपने 2 NRTI और 18 integrase inhibitor या डिफरेंट अदर ऑप्शन में से लेके आपने उसको देना पड़ता है ठीक है तो ये आपको जहन में रखना है वहीं पर चीज़ें वो कर लोगे ठीक है नो ड्रग वाली भी कोई बात नहीं है पहली बात ये होगी कि आपने उसको ट्रीट करना है ठीक है दूसरे उसमें होता है कि सिंगल डोज पीने लेबर नहीं वो चीज़ें भी नहीं होती वो जीडोवुडीन होती है ठीक है और जीडोवुडीन खाली भी इसका कोई वो नहीं है आपको प्रोपोर्टेड उसको ART सेलेक्ट करनी है और उसको देनी है जो कि प्रेगनेंसी में भी सेफ हो और उसको हो अब नेक्स्ट आ जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मैडम सिद्रा ओवर टू यू थैंक यू रेहान अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सो आई एम जस्ट स्टार्ट विद द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन तो इट्स सेल्फ इट्स इंडिकेटर्स व्हाट इज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अपॉर्चुनिटी मींस मतलब जो भी इन्फेक्शन है उनको अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनिज्म को अपॉर्चुनिटी मिली है टू इन्फेक्ट द इंडिविजुअल सो रेहान ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द सीजी काउंट और उसका क्या इंटरलिंक है विद द एचआईवी पेशेंट बेसिकली बिकॉज वी ऑल नो दैट एचआईवी इज बेसिकली जो क्या कहना चाहिए कि आपके इम्यून सिस्टम को जो है वो डैमेज कर रहा होता है तो डेफिनेटली दिस द सीजी काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स व्हाई बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द टी सेल्स एंड व्हिच इज आल्सो नोन एज हेल्पर सेल्स इन द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस तो उधर हमें इस चीज़ को देखना होता है कि लाइक विद द सीजी काउंट्स जो है वो किस तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं इन डिफरेंट पेशेंट्स सो दिस इज जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द सीजी काउंट्स एंड द एचआईवी पेशेंट्स सो एंड दिस इज नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट स्लाइड ओके With the first one, we will go with the pneumocystic pneumonia, which is we already known that lots of people who have already deal with the HIV or immunocompromised patient. So, we know that pneumonia is very common in these kind of patients, and it is also a bacterial kind of infection. Or just the positive agent is pneumocystic jewelry pneumonia, which is known as PCV or PJV. Lots of people already know about it. तो जब अगर सी डी काउंट इज लेस देन 200 सेल्स हो जाता है तो डेफिनेटली उधर जो है अगर पेशेंट इज कम विद दिस काइंड ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यानी कि फीवर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और नॉन प्रोडक्टिव कफ है और एलिवेटेड जो है वो LDH है डिफ्यूज अगर आप उसका एक्सरे चेस्ट पे जो है वो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स आ रहा है और ऑक्सीमा के साथ आ रहा है तो वी विल कम अप विद दैट के पेशेंट मस्ट बी विद यू नो न्यूमोसिस्टिक निमोनिया So that the patient must be given with the active treatment, and usually we all know that clotrimazole is the drug of choice for these patients. Or usually, if the patient, if our preferred regimen is that, it is clotrimazole for the 21 days. So patient, if we give oral or IV, depending upon the certain patient conditions. और अगर if the patient has the sulfur drugs एनी एलर्जी या उसको किस तरह से पेनसाइटोपिनिया बहुत ज्यादा होते हैं तो देन वी विल गो विद अदर थेरेपीज लाइक द क्लिंडामाइसिन पेंटामिडीन ट्रामिथोप्रेन अलोन और विद द एडवोकिन सो दीज आर द वेरी रेयर बट आई लिटरली आई डोंट रिमेंबर दैट आई सी द लॉट्स ऑफ अदर ड्रग्स लाइक विद द पेंटामिडीन एंड बट या आई सी द लॉट्स ऑफ पेशेंट विद द ट्रामिथोप्रेन एंड दे हैव अ सल्फर ड्रग रेजिस्टेंस और एनी साइड इफेक्ट देन वी विल गिव द क्लिंडामाइसिन आईवी फॉर दैट पेशेंट्स So yeah, with the pneumocystic infections, you know, pneumonia ke hai, uske saath saath jo adjuvant therapy ke taur pe corticosteroids diye jaate hain, and it's very well known that this is the mortality of these patients. Next, Rehan. Okay, the prophylaxis is very important. So we must know what is the secondary prophylaxis and the primary prophylaxis. Secondary means yani ki patient ko already infection ho gaya, so definitely we have to you know. Protect that patient or prevent with these kind of any you know in the future if the patient is already immunocompromised either with the HIV or they have a transplant patient or any taking any immunosuppressive diseases due to the autoimmune diseases so these patients also require the secondary prophylaxis if they already have a you know pneumonia so like they have to and maybe it is continuous in the patient if agar unki jo hai less than 200 cells ke hain to agar humne jo hai wo band karna hota hai especially in the patient who are taking ARTs जो प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस है या आई सी लॉट्स ऑफ पेशेंट हु आर टेकिंग द प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस लाइक इन द डिनर ट्रांसप्लांट स्पेशली दे आर टेकिंग द कोटामॉक्सिबिल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या वी इन दैट वी यूजुअली डोंट सी देयर सीडी काउंट्स बट या विद द अदर दे आर टेकिंग विद द एचआईवी पेशेंट दे आर टेकिंग विद द एआरटीस तो आपको जो है वो सीडी काउंट देना देखना पड़ता है और फॉर 3 मंथ्स के लिए उनकी रेजिमेंस होती है और उसके बाद कंटिन्यू करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द सीडी काउंट बट या
with the like with the renal transplant. I don't remember. We are like giving the prophylaxis for 1 year basically. Considering stop, हम कब consider करते हैं कि अभी stop करते हैं, हमें stop कर देना चाहिए primary, जैसे I already told you के जो transplant वाले patients हैं, I know with the renal and the liver transplant usually after 9 to 12 months जो है वो कर दिया जाता है, but with the HIV you have to check with the CD or the RR जो उनका plasma levels हैं below the limit है, तो वो 3 to 6 months के बाद जो है वो we have to discontinue or the stopping the regimens. Yeah, next. Okay, the candidiasis infection is very common in the immunocompromised patient, either with the HIV or like with the any other immunocompromised you know underlying cause like transplant or autoimmune disease. So, like the oral thrush, we all know that is very common and known as the oropharyngeal candidiasis, and the more than 90% of the HIV positive patients are basically come up with this disease in the USA basically. So definitely उसके सिम्टम्स नहीं होते हैं कि अगर आप देखें तो ओरल थ्रश में जो है वो आप जब उसका पेशेंट का मुंह देखते हैं या बक्कल कैविटी देखते हैं तो इट्स यूजुअली ही सेड दैट द क्रीमी लाइक और ऐसा लगता है वो दही खा कर आया हुआ है या बहुत ही ज़्यादा जो और बिल्कुल जो है ना वाइट साथ आपको वाइट पैचेस नजर आ रहे होते हैं वेरी विद द नेकेड आई सो यू कैन सी दैम वेरी इजीली सो या इन दैट यूजुअली यू सी दैट कि हम लोग निस्टैटिन या निस्टैट ड्रॉप जिसको हम कहते हैं वो दिए जा रहे हैं बट द and as well as the fluconazole usually orally is recommended but we can also give the IV in certain patient but it has not so much good role like the parenteral but the oral has a very good you know efficacy with the fluconazole so like iske alawa jo alternative regimens ke taur pe itraconazole posaconazole miconazole jo hai wo buccal tablets ya solution ya suspension wale forms mein di ja rahi hoti hain acha related with the candidiasis also the esophageal candidiasis are also very important like the patient also come up with sometimes esophageal if the oral is not treated well so some the patient also come with the esophageal candidiasis or whereas is bhi jisme hum dekhne ko milta hai hame baad mein but ye hai ki esophageal candidiasis also required the it's basically required usually oral treatment not oral as well as sometimes in the very you know severe diseases or patient come with a very severe kind of a fungemia so that the patient will come hum usko jo hai fluconazole iv or oral dono dete hain with itraconazole jo hai सोल्यूशन फॉर्म में भी दिया जा सकता है और अल्टरनेटिवली वोरिकोनाजोल कैस्टोफेंजन मेकोफेंजन एनोरिल्फेंजन और एम्फोटेरिसिन बी लिपिड फॉर्मुलेशन जो है वो भी दी जा रही होती है बट इन द यूजुअली इन द मॉर्निंग और दीज आर द वेरी कॉमन रेजिम्स लाइक आई सॉ लॉट्स ऑफ पेशेंट विद द एसोफेजियल कैटाइटिस जिसमें हम जो फ्लुकोनाजोल और वोरिकोनाजोल और कैस्टोफेंजन भी हमने दिया हुआ है तो या डेफिनेटली उसके अलावा जो है वॉल्वोलर वजाइनल कैंडिडेटिस दिस इज आल्सो क्वाइट कॉमन इन द यूएसए तो उधर फ्लुकोनाजोल जो है वो ओरली और एज वेल एज टॉपिकली दे आर गिविंग फॉर द 6 to 7 बट अल्टरनेटिव इट्राकोनाजोल सॉल्यूशन आल्सो गिविंग 200 एमजी समटाइम्स एंड यूजुअली देयर इज नो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस यूजुअली इन दिस एचआईवी पेशेंट बट या विद द ट्रांसप्लांट वी स्पेशली इन द केस विद द लिवर ट्रांसप्लांट वी यूजुअली गिव यू नो preventive or the prophylaxis treatment. Yeah, Cryptococcus or the Cryptococcus neoforms, this is the causative agent and but this is the fungal infection. It's also occur when the CD count is less than 50 in these patients or basically it's has the symptoms like the meningitis, low-grade fever, headache ke saath, altered jo hai wo uski sonorism hoti hai, matlab patient irritability aapko nazar aa rahi hoti hai, somnolence nazar aata hai, impaired jo hai uski memory or judgmental, aap dekhenge uski cognitive abilities jo hai ya behavioral changes is very common in these patients, so you have to be very judgmental about these while you are seeing these patients. Sometimes seizures may occur if the patient is not treated well or minimum jo hai wo rigidity or meningitis or photophobia bhi in patients mein hame dekhne ko milta hai. And the basic diagnosis is very important in these kind of patients. Like that, we have to see the CSF, मतलब cerebral spinal fluid के cultures देखे जा रहे होते हैं साथ साथ antigen testing बहुत जरूरी होती है कि इसमें antigen titer जो है हम देख रहे होते हैं और हमें और एक और चीज देखने को मिलता है elevated जो है opening pressure greater than अगर वो होता है ये usually I'm not experienced about this one but yeah both of them the previous में the positive हमें CSF और CSF cryptocurrency antigen is very common और हम ये सारे test कराते हैं patient की diagnosis के लिए proper. Next. और वो तो जब उड़ते हैं तो उसकी डस्ट बन के वो फिजा में जाती है तो इनहेल करता है तो उधर से एक्सपोजर होता है और ये फिर ब्रेन में पहुंचती है और इन्फेक्शन करती है तो जब भी पेशेंट आता है या उसके साथ कोई अटेंडेंट आता है तो हम ये हिस्ट्री लाजमी लेते हैं. So
So yeah, the treatment for the cryptid kind of infection, usually liposomal amphotericin B with the flucytosine is a very good of choice for these kind of patients if they come with a crypto infection. Amphotericin B जो है वो deoxylate जो different इसकी formulation है उसमें plus glucosid फ्लूसाइटोसिन के साथ भी दिया जा रहा था. अल्टरनेटिव रेजिम्स में भी आप देख लें एम्फोटेरिसिन जो है वो मेनली ड्रग है विद फ्लूसाइटोसिन फ्लुकोनाजोल एंड द अदर ड्रग्स. और फ्लुकोनाजोल भी दी जा रही होती है विद फ्लूसाइटोसिन इफ वी डोंट हैव लाइक इन द पाकिस्तान वी डोंट हैव अ यू नो एम्फोटेरिसिन बीन जो है वो लाइपोसोमल जो है वो बहुत शॉर्ट हो चुकी है आप यूजुअली नहीं मिल रही होती है आप कहीं थोड़ा मतलब कहीं सबसे बड़ा इशू तो कॉस्ट होता है. Drugs are not available, but do remember one thing. Where दोबारा ये बात कहूँगी जो मैंने last time कही थी, because you guys are preparing about the American guidelines, so you have to be go through all of these drug of choice, rather what is available in Pakistan or whether you are practicing in your daily life nowadays. So it's quite different with that. Maybe आपको बहुत सारी drugs जो है वो नए नाम सुनने को मिल रहा है, so don't worry about it. But you have to go through it because to clear your exam, that is most important. So इसके अलावा consolidation therapy भी दी जा रही होती है patient को after the induction therapy for fluconazole 400 in the little bit higher doses 400 mg लोग सुनके जरा थोड़ा सा परेशान होते हैं 800 mg या 400 mg but yeah it is given in the because the first the bad kind of a fungal infection. Alternatively itraconazole दी जा रही थी but I never seen I have no experience with itraconazole personally but yeah I saw lots of patients with the crypto infection they are on the fluconazole but amphotericin B was the drug of choice for these patients. Maintenance therapy bhi recommended hoti hai fluconazole ki with the crypto infections or do remember if the dealing initiated in combination with the ART to aapko jo crypto people jo meningitis hai wo 5 weeks because of the immune recognition inflammation syndrome jo hum IRS jo hai बहुत कॉमनली जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स और स्पेशली विद एचआईवी पेशेंट्स के साथ बहुत कॉमनली जो है वो सिंड्रोम देखने को मिलता है. प्रोफाइलेक्सिस यूजुअली नॉट इंडिकेटेड होती है. हाँ अगर पेशेंट को ऑलरेडी एक्सपीरियंस विद पेशेंट हैव दिस क्रिप्टो इन्फेक्शन या द सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस कैन बी गिवन यूजुअली द फ्लुकोनाजोल 200 mg पर डे. या नेक्स्ट okay they had already told about the mac like the mycobacterium avium complex infection with the in the hiv patient and it's already the reverse kind of infection or ye bhi tabhi zyada tar dekhne ko milta hai when the patient have very low cd counts or definitely it's also an opportunistic kind of infection when the patient immunity is not working very well. So if the patient come with the loss weight loss intermittent fever chest night sweats abdominal pain or diarrhea this and very especially chronic malabsorption it's very common in these kind of patients. और पेशेंट को प्रोग्रेसिव वीकनेस है एनीमिया है एलिवेटेड अल्ट्रेट फॉस्फेट है दीस बट दीस आर नॉट वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ साइन सिस्टम रिलेटेड विद द मैक बट स्टिल दे आर वन ऑफ द यू नो साइन सिस्टम एंड मे बी हेल्पफुल फॉर द डायग्नोसिस पर्पस फॉर दीस एचआईवी पेशेंट. और यूजुअली जो थेरेपीज इसमें दी जा रही होती हैं दैट इज मेट्रोलाइड आइदर एजिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन विद द एथंबुटोल फॉर 1 ईयर. और इसके अलावा जो इसके साथ जो अदर एजेंट्स जो अदर देन जो प्रेफर्ड अदर थेरेपीज हैं इम्यूनोकंप्रोमाइज्ड पेशेंट वो जो भी जारी थे इसमें रेफरप्रिंटेड जो है फ्लोरोक्विनोन्स हैं और माइनोग्लाइकोसाइड्स हैं. और प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस भी पेशेंट को ऑफर की जा रही होती है इफ देयर हैव सी टी काउंट इज लेस देन 50. सो अगर सी टी काउंट पे ही मैंने आपको बताया कि इन ऑल दिस पेशेंट सी टी काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू यू नो गिव द प्रोफाइलेक्सिस थेरेपी. और यूजुअली जो है एजिथ्रोमाइसिन और क्लिथ्रोमाइसिन आर द ड्रग्स विद द या फिर रेफरप्रिंटेड जो है वो दी जा रही होती है नॉट ऑल द ड्रग्स. या प्रोफाइलेक्सिस के लिए अगर देखा जाए तो डिसकंटिन्यूशन जो है वो आफ्टर 12 मंथ क्रोनिक मेंटेनेंस थेरेपी और सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस के लिए बंद कर देनी चाहिए आफ्टर 12 मंथ के बाद या एक साल जिसको हम कहते हैं. इफ द सीटी काउंट इज मोर देन 100 और फॉर द 6 मंथ और लॉन्गर बिकॉज ऑफ द पोटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एआरटी इफ द पेशेंट इज के सिम्टोमेटिक कोई सिम्टम्स नहीं आपको देखने को मिला है और सीटी काउंट भी बढ़ गया है तो डेफिनेटली अच्छी मतलब पोटेंट किस्म की एआरटी दे रहा है यानी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपीज. सो या वी हैव टू स्टॉप द और डिसकंटिन्यू द थेरेपीज और रीस्टार्ट कर सकते हैं इफ द सीटी काउंट ड्रॉप विद द 100. So these are the basically for discontinuation and restart of the therapist profile primary
से कब जाना चाहिए, वही जब कसीरी टाउन जो है वो है, और या वो पेशेंट जो आर नॉट रिसीविंग एआरटी और हु हैव अ वेरीमिया ऑन द करंट एआरटी, उनका जो वायरल लोड है वो बहुत ज्यादा है, तो या दिस पेशेंट आर यूजुअली टेकिंग और प्राइमरी प्रोफाइल इज नॉट रिकमेंडेड, द पेशेंट इमीडिएटली इनिशिएट विद द एआरटी, उधर जो है डेफिनेटली प्रोफाइल आप प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस नहीं दे रहे होते हैं। और यूजुअली जो प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम जो ड्रग्स दे रहे होते हैं वो क्लारिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, वंस वीकली वाली डोज या ट्वाइस वीकली, मतलब इन अ वीक जो है वो 1200 एमजी रिकमेंडेड होती है, तो अगर वंस वीकली देना है तो 1200 देना है, अगर बाई वीकली दे रहे हैं या ट्वाइस वीकली दे रहे हैं तो 600 देना उससे। ऑल्टरनेटिवली हम रिवरपेटिन जो है वो भी दे सकते हैं, और पेशेंट को 300 एमजी पर डे, और उसके साथ हमें जीआई सिम्टम्स देखने होते हैं, इफ द पेशेंट इज हैव एनी जीआई symptoms or adverse effects or side effects, from getting the patient should take the half of the dose with the food, it's recommended half like 150 mg BD with the food, it's recommended or me. Yeah, next, then please let me know the time. Acha, CMV, CMV is very common in the immunocompromised patient, and we are jitne bhi log agar koi transplant ke ya immunocompromised patient ya autoimmune disease ke patient dekhe hote hain, they already experience about the CMV kind of infection, and very I think most commonly is colitis, हमें देखने को बहुत मिलता है, और उसके बाद rhinitis देखने को मिलता है, but तो rhinitis is also one kind sometimes it's a viral disease जिसके अंदर CMV जो है वो positive उसमें virus होता है, जिसकी वजह से जो है patients come with the CMV cytomegalovirus, तो basically valganciclovir is a very good of drug, very choice of the drug in these patients like valgans, और जो है वो orally दी जा रही होती है, और उसके बाद जो है वो 900 पहले बीडी देते हैं, उसके बाद जो है वो 900 एमजी जो है वो ओरली दी जा रही होती है, और अल्टरनेटिवली भी हम गैनसाक्लोविर आईवी भी दे सकते हैं, यू नो बिकॉज द गैनसाक्लोविर इज वेरी एक्सपेंसिव स्पेशली इन द पाकिस्तान, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो है वो गैनसाक्लोविर विच इज इन द आईवी फॉर्म इट्स अवेलेबल वेरी फ्रीक्वेंटली, और लोग जो है वो ज्यादातर यही यूज कर रहे होते हैं, बट गैनसाक्लोविर आल्सो अवेलेबल एज द नेम ऑफ द वेलसाइड आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो हम जो है वो दे रहे होते हैं पेशेंट को। उसके अलावा फॉस्कार्नेट और सिडो वो फिर जो है not available, I don't feel like this are still available in the Pakistan, but yeah, these are also very good drugs and used for the CMV. Or if a patient has cytotoxic threatening lesion, hai, intravitreal injection of the ganciclovir or foscarnate for 1-4 days or up to period of 7-10 days, bhi hum de rahe hote hain, and it's very, yeah, I also see the intravitreal injections for these patients. So yeah, it's very common. Yeah, next. Is like I told you that this vitiligo or colitis is very common in the immunocompromised patient in our population. I have no idea about in the US they also have that one, but the preferred regime is also the ganciclovir IV or followed by the valganciclovir, or alternative therapies may foscarnate IV valganciclovir jo hai wo orally agar wo tolerable hai. Iske alawa pneumocystitis bhi matlab like sometimes jo hai wo CMV virus jo hai wo लंग्स को भी डैमेज करता है, जिसको निमोनाइटिस कहते हैं, सीएम निमोनाइटिस, और उसके अंदर जो है वो गैनसाक्लोविर और फॉस्कार्नेट जो है वो सेम डोजेस विद राइनाइटिस के साथ यूज की जा रही होती है। न्यूरोलॉजिकल भी समटाइम्स जो है वो आई थिंक आई सी सम फ्यू आई थिंक वन और टू थ्री पेशेंट इन माई एक्सपीरियंस विद द निमोनाइटिस, बट या आई नेवर रिमेंबर अबाउट द न्यूरोलॉजिकल CMVs in any patient till now. So combination of the ganciclovir and the foscarnate are also used if the patient has come with a neurological kind of CMV infections. Yeah, if the patient has come with a second half a CMV, so yeah, the secondary prophylaxis must be mandatory for these patients. And it is 3 to 6 months diya ja raha hota hai, and it's very common. I think those people are already working in the different setups where the immunocompromised patient is there. So yeah, they have a very well aware of this ganciclovir. Or zizepatic ganciclovir is required parental administration. The patient cannot be admitted for the 3 to 6 months to give secondary prophylaxis. So that's why the ganciclovir is the drug of choice. Primary prophylaxis usually not recommended. It's basically भाई मैंने आपको बताया कि CMV क्योंकि हमें उसको देखना होता है कि इसका मतलब कितना लोड है, वायरल क्या है, और उसके बाद ये डिसाइड करना होता है कि पेशेंट को प्रोफाइलेक्सिस मिलनी है या नहीं मिलनी। लाइक इन द like liver transplant we usually give primary prophylaxis for these patients, but in the renal transplant we usually recommend for the secondary prophylaxis. The main reason is the cost also. Yeah, next, our toxoplasmosis, I think in my own professional life I just see two couple of patients, not more than it. I'm very sure about it ke humne shayad, and literally it was a very good experience when I see, and I was really the patient when I saw the patient and then come to know that the patient had the toxoplasmosis, and it was very learning basically for the infectious disease. That patient was the turning point for me. So then I come to know about the lots of the infectious disease and come up with lots of things. So
So yeah, the sinus infection, the patient has a fever, altered, and the patient was I'm talking about, it has no, he was just not, he has seizures. This patient was in, he had pleocytosis. Pleocytosis is basically the elevated lymphocytes in the CSF. So then I do remember the patient go with his scans and we see the bilateral hypotensive lesions in his brain. And then we come up with that the patient will then go for the antigen antibodies testing and come up with that, oh, the patient has a plasma gondii. So that's why it's a very very hard to diagnose that. That's what my experience is to diagnose this toxoplasmosis in the immunocompromised patient is usually, and it's a parasitic infection, and it's usually in the patient who are taking uncooked meat and like this. So yeah, it's a very bad kind of infections. Yeah, next please. Yeah, the preferred therapies which is recommended, it's very hard to find in the Pakistan. Basically, we have a lots of drugs which is not available at that time also. Yeah, I remember we arrange paramethylamine for this patient, and it has a very good result, and the patient has completely eradicated with the that's infection. Yeah, this was the preferred regimen with the sulfadiazine. So yeah, this is, and but the side effects are very like bone marrow suppression, thrombocytopenia, like granulocytomania and anemia. Is cytopenia and the anemia is very common with these kind of regimens. And we sometimes add also the folinic acid if the patient has experience with the pancytopenias with the preferred regimens. Or usually duration you have 6 weeks hoti hai, or until and unless the patient have sinus symptom. I do remember the patient is taking I think more than 2 months of the therapy in our patients. So yeah, it's like this. You want to add something? Alternative therapy mein aap clindamycin bhi use kar sakte hain, cotrimoxazole, atropine with the promethazine and with the sulfurazine, or the alone therapies can also be given. Yeah, next. Okay, the prophylaxis mein agar aap dekha jaye to prophylaxis bhi relapse rates jo hai wo usually isme is very common, to or sometimes you have a primary prophylaxis bhi recommended hoti hai. It's usually I think in the HIV patient, not in the all immunocompromised patient is recommended, like cotrimoxazole jo hai wo double strand jo hai wo di ja rahi hoti, dapsone paramethylamine with the leucovorin or the folinic acid or whatever can, it's usually recommended because of the side effects of these drugs. So aapko jo hai leucovorin ke sath ya folinic acid jis ka hum kehte hain iske sath diya ja raha hai. Secondary prophylaxis, yeah, if the patient comes with these toxoplasmosis, there are secondary prophylaxis is recommended, paramethylamine with the 25 to 50 mg per day with the folinic acid because of the side effects, or some with the sulfatazine drugs, or clindamycin bhi di ja rahi hoti hai sometimes usually because in Pakistan clindamycin usually used because the non-operability of the certain drugs. So yeah, or iske alawa cotrimoxazole double strand atropine with the paramethylamine or with the sulfatazine or alone is also given for the prophylaxis. Yes, next. Okay, there is a patient, JZ, which is who is 42 years old and HIV positive man that comes with the CMV rhinitis. This patient got rhinitis ho chuka hai 9 months pehle, and then he has been treated with the Wellcome cyclovir, and he received a diagnosis of a CMV rhinitis. His CD count was, when he had the, you know, rhinitis, CMV rhinitis is for 17 cells per cubic mm, and he was initiated on the combination ART 3 months ago. His CD count was 175. है और टुडे मतलब जो आज हुआ कि जिस पर इसके के वो आया तो पेशेंट हाफ द सीडी काउंट इज 312. सो व्हाट इज व्हिच इज द बेस्ट रिकमेंडेशन थेरेपी वेलकम साइक्लोवर थेरेपीज फॉर दिस पेशेंट. सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट के सीडी काउंट हमें देखना होता है पेशेंट के लिए और क्या है, तो अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन है आई गेस. तो इसमें जो है वो हम डिसकंटिन्यू कर देंगे क्योंकि पेशेंट हैज ऑलरेडी जो है वो 100 है, तो 312 है स्पक सेल्स उसके, तो या डिसकंटिन्यू हो सकता है. यस, नेक्स्ट प्लान. ओके, टीबी विद ऑल द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट द टीबी इज वेरी कॉमन. सो या ट्यूबरक्लोसिस इज बेसिकली इज आल्सो बैक्टीरियल डिजीजेस एंड डिफरेंट टेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट इज अवेलेबल जिसके अंदर ट्यूबरकुलिन टेस्ट है जो कि हमको पता है मोनोटॉक्स मेथड्स के साथ जो किया जाता है इज वेरी कॉमन एंड वी ऑल नो दैट.
इसके अलावा जो है IGRA लाइक इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसेस या PCR टेस्टिंग भी इसको कहते हैं, और बूस्टर टेस्ट भी, दीस आर द बेसिकली डायग्नोसिस टेस्ट। और बेसिकली हम जब देखते हैं पेशेंट हैव नॉन इन्फेक्शियस साइंस सिम्टम्स लाइक कफ, मलेशिया, वेट लॉस, फीवर, चेस्ट स्नैचेस, प्लोरिक पेन, प्लोराइटिक पेन जो होते हैं। इसके अलावा जो है हमें पेशेंट की सबसे पहले तो हम एक्सरे चेस्ट करते हैं सिर्फ कमर पीस से, तो अगर उस पर किसी किस्म का कोई पैच एंड ऑडियो या इन्फिल्ट्रेट अगर हमें नजर आते हैं ऑन lungs, so then we will go with the microbial testing like the sputum, smetas, ASV, just from कहते हैं, या sputum culture, या और जिसका कर हमारे पास और microbial tuberculosis, so then for the diagnosis, these are the testing for the latent tuberculosis, के latent tuberculosis जो TB के लिए जो देखा जा रहा था, और देखने के लिए कि क्या मतलब एक हम देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि likely और unlikely like the patient have the progression of the TB, like और मतलब कितना उसमें chances है कि patient को जो है वो टीवी हो सकता है। तो उसमें बेसिकली जो रिकमेंडेड टेस्टिंग है IGRA है, BCG वैक्सीन के है, TST टेस्ट हैं, ये डिफरेंट जो है वो डायग्नोस्टिक हैं। आई डोंट फील लाइक दिस इज वेरी, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या कौन से टेस्टिंग मेथड्स हैं, तो दिस आर डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर दिस, और इन द रिस्क फॉर डेवलपिंग ट्यूबरक्लोसिस जो है और उसके हिसाब से दिया हुआ है। नेक्स्ट recommendation treatment of the latent TB. Do remember there is a two type of you know usually treatments guidelines for the TB, like the latent one. Latent means the patient has you know some कहते हैं silent TB, यानी कि patient जो है वो infected तो है but they haven't any signs or symptoms or active diseases. So this is latent. और वो उसमें कहाँ treatment कौन-कौन से patients में recommended होती हैं, like the patient with the HIV. जो कि और those who are close contact with the patients or the people with the diagnosis of infectious TB, और इसके अलावा जो patients या लोग जो हैं people with abnormal chest radiography, या उनके previously कोई मतलब TB हुआ हुआ हो, और इसके अलावा जो उनके साथ जो people उनको भी हम जो है वो latent TB की treatment दे सकते हैं। immuno compromised patient I already told you basically with organ transplant, और या तो फिर वो patient जो कि जिन्होंने prednisolone high doses में ली हुआ basically लाइक ऑटोइम्यून डिजीज, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लाइक SLE हो गया, IBS हो गया, उसमें हम पेशेंट को बहुत हाई डोजेस ऑफ प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी दिए जारी होती है समटाइम्स, तो या दिस पेशेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड समटाइम्स लेटेंट टीबी इन दिस काइंड ऑफ पेशेंट, तो आपको जो है वो ट्रीटमेंट दी जाए। और इसके अलावा जो है फॉरन बॉर्न पीपल लाइक इफ यू आर गोइंग टू इमिग्रेशन, और फॉर लाइक आई एम कमिंग इन द UK for my higher studies, so yeah, we also go through the TB testing, or इधर आके फिर हमारे दोबारा से immunosis होते हैं, although we had वहाँ पे हम अगर negative करके भी आता है तो यहाँ पर आके देखने पर अगर किसी का वो positive आता है, तो अगर वो latent disease होती है तो they are giving the prophylactic or empirical treatment for this, वो जो भी होते हैं तो उनको शायद आई गेस एफएमपीसी यहाँ पर दी जा रही होती है। तो injections जो ड्रग यूजर होते हैं उनको भी हम दे रहे होते हैं, पीपल वर्किंग एट और लिविंग इन द हाई रिस्क सेटिंग्स लाइक नर्सिंग होम, होम केयर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में जो है उनको भी रिकमेंडेड होती है। माइक्रोबैक्टीरियल लेबोरेटरी पर्सनल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि लैब में काम कर रहे होते हैं उसके लिए भी ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड, और स्पेशली द चिल्ड्रंस हु आर अंडर द 4 इयर्स ऑफ एज, और द चिल्ड्रन अंडर हु एक्सपोज टू द अडल्ट, लेकिन जो कि हाई रिस्क कैटेगरीज में जो हमने ऊपर डिस्कस की है, अगर कोई बच्चा उनके साथ रहता है तो दे आल्सो रिक्वायर्ड अ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्लीज, या द डोजिंग द पेशेंट हु आर नॉट HIV इन्फेक्टेड, तो उनके लिए जो है वो डिफरेंट गाइडलाइंस है, मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, लाइक आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिसिन, और रिफैम्पिसिन जो है वो विद प्लस आइसोनियाज़िड जो है इट्स नॉट FDA CDC सॉरी रिकमेंडेड, बट इट्स यूजुअली यूज्ड, सो इट्स वेरी कॉमन दीस with the patient with the latent TB, or patient who are co-infected with HIV, तो उनके पास जो है वो INH, और alternatively INH जो है वो twice weekly for 9 months, और वो जो है वो dot therapy हमें पता है direct observed therapy के थ्रू जो है वो patient को दिया जा रहा होता है, और उधर जहाँ पे areas with the multi drug resistant, तो वहाँ पे patient का isolate देखा जा रहा होता है कि उनके पास कौन सी drug के जो resistant है, definitely हम वो नहीं देंगे, और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट जो मौजूद है फिर वो ऑफर की जाती है अकॉर्डिंगली टू द आइसोलेट। नेक्स्ट, दिस इज बेसिकली द रेजिमेन फॉर द पेशेंट्स विदाउट HIV और पेशेंट विद HIV, दिस इज रिलेटेड विद द लेटेंट TB ट्रीटमेंट, तो यार इंटेंसिव फेज में कौन सी दी जा रही भी होती है, कंटिन्यूस फेज में कौन सी दी जा रही होती है, एंटीबायोटिक्स यूजुअली मैंने आपको बताया कि यूजुअली जो रिकमेंडेड होती है एसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन, पैरासिटामोल और इथैम्ब्यूटोल जो है वो इंटेंसिव फेज में दी जा रही होती है, और जो ट्रीटमेंट है वो फॉर 2 मंथ डेली दी जा रही होती है या 5 टाइम्स अ वीकली।
इसके अलावा जो जो कंटिन्यूशन फेज है उसमें आइसोनियाज़िडिन दी जा रही होती है, वो उसमें ट्रीटमेंट जो है वो 4 months की होती है डेली और द 5 times वीकली। तो दीज आर द विद और विदाउट, मैंने आपको बताया कि एचआईवी पेशेंट्स के जो इस तरह से दिया जा रहा होता है। अच्छा, और पेशेंट्स आपको देखना पड़ता है कि वो कौन से ARTs भी लेते हैं, शुड नॉट एडमिट कॉम्प्रोमाइज विद द रेफरेंस, यानी कि जो पेशेंट जो कि आपकी एक्टिव एचआईवी ट्रीटमेंट्स पे, यानी कि प्रोटीज इनहिबिटर्स हो गए, इसके अलावा जो है वो न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं, उसके साथ जो ड्रग्स हैं उनके साथ जो है वो रिफैम्पेसिन नहीं दी जा रही होती, इसी तरह से जो है रिफैम्पेसिन जो है वो INSTIs के साथ नहीं दी जा रही होती और RTIs के साथ भी नहीं दी जा रही होती। रेहान ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ HIV ट्रीटमेंट या एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो आपको बताई जा चुकी है, उसके हिसाब से जो है वो डिफरेंट जो है यूजुअली दे हैव इंटरेक्शन विद द रिफैम्पेसिन, तो आपको उसके साथ नहीं दी जा सकती। या नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट विद एक्टिव टीबी, मतलब जिनका हमने पहले बात की थी जिनको लेटेंट टीबी है और एक्टिव टीबी, दे हैव एक्टिव डिजीज़, तो देयर आर द प्रिंसिपल्स फॉर द ट्रीटमेंट, लाइक द रेजिमेंस हमको देखनी होती है विद ऑर्गेनिज्म के जो सक्सेसिबिलिटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और द ड्रग मस्ट बी फॉर द स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम डिपेंडिंग अबाउट द पेशेंट कंडीशन, उसके हिसाब से जो इनिशियल फेज में क्या देना है, इनिशिएशन फेज में क्या देना है या कंटिन्यूशन फेज में क्या देना है, तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको जो पेशेंट को जो है वो पूरी ट्रीटमेंट जो है वो थेरेपी इट्स वेरी इट्स अ मेन टू इराडिकेट दैट डिजीज, और थेरेपेटिक ऑप्शन जो ऑप्शंस हैं ट्रीटिंग द एक्टिव टीबी वो आपको देखने पड़ते हैं, डिफरेंट रीजन पर डिफरेंट है, बट यू हैव टू गो थ्रू दीज गाइडलाइंस। तो फर्स्ट टाइम में वी ऑल नो दैट हमें आइसोनियाज़िड, रिफैम्पेसिन, पैराज़िमेथामिडाज़ोल आर यूज्ड, सेकंड लाइन में मेटासिन, बेटाक्लीन, कैप्रोमाइसिन, साइक्लोसिन, एथिलामाइड, इसमें मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आल्सो अवेलेबल इन द पाकिस्तान, सो या दे आर आल्सो यूज्ड एज अ सेकंड लाइन, देयर द फर्स्ट लाइन इज नॉट एफिशिएंटली वर्क और रेजिस्टेंट विद दैट। या नेक्स्ट प्लीज। या दिस इज द बेसिकली एक्टिव टीबी ट्रीटमेंट्स विद द पेशेंट्स विद एचआईवी और विदाउट एचआईवी, तो इसमें आप देखें जैसे फेस में और कंटिन्यूशन फेस में जैसे मैंने पहले बताया लाइक टीबी डिजीजेस उसके हिसाब से ही ऑलमोस्ट है, और ऑप्शनल भी एंटीबायोटिक्स भी जा रही होती हैं समटाइम्स पेशेंट विद विदाउट एचआईवी, तो या दिस आर द डिफरेंट गाइडलाइंस, इज मोस्टली द सेम वन बट यू हैव टू गो थ्रू इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस लॉट्स ऑफ अबाउट इट, सो या नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, रिफैम्पेसिन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द रिफैम्पेसिन, द पेशेंट मे टेक NRTIs जो उसमें रिफैम्पेसिन, बट द डोजेस मे नीड टू बी इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द यू नो उनकी जो है वो ड्रग अवेलेबिलिटी की वजह से या प्लाज्मा कंसंट्रेशन की वजह से, यू हैव टू बी वेरी फोकस अबाउट द डोजिंग ऑन दिस पेशेंट, और इधर आपकी फार्मासिस्ट इंटरवेंशन भी रिक्वायर्ड होती हैं। पेशेंट मे टेक द PIs प्रोटीएज इनहिबिटर जो है रिफैम्पेसिन, बट रिफैम्पेसिन जो है वो डोज शुड बी डिक्रीज, इधर इसकी डोज हमें डिक्रीज करनी पड़ती है लाइक विद द पेशेंट हु आर टेकिंग PIs। अच्छा, रिफैम्पेसिन शुड ओनली बी गिवन टू द पेशेंट रिसीविंग आइदर द एफेनिसर और द वाल्टग्रेवर बेस्ड रेजिम, तो आपको देखना होता है कि कहाँ पे पेशेंट की डेफिनेटली ड्यू टू द ड्रग ड्रग इंटरेक्शन यू हैव टू चूज द ट्रीटमेंट फॉर द TBs और द ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अच्छा, नोन अगर पेशेंट जो है वो HIV सॉरी आइसोनियाज़िड जो है रेजिस्टेंट या INH रेजिस्टेंट है, तो एडमिनिस्टर रिफैम्पेसिन, पैराज़िमेथामाइड, एथंबिटोल या मेथोक्सोक्सासिन डिपेंडिंग ऑन योर ऑक्सासिन भी 2 months की रीच आई होती है कंडीशन फेस में, शुड बी कंपेयर्ड विद द रिफैम्पेसिन और रिफैम्पेसिन प्लस एथंबिटोल प्लस मेथोक्सोक्सासिन फॉर 7 months या योर ऑक्सासिन के साथ भी दिया जा रहा है यानी थोड़ी में। So yeah, here is the question. Are we, jo hai, wo 30 years old man who presented to the emergency department with a persistent cough, night sweats, and unintentionally weight loss. So he has been homeless for the 3 years and has been living at the multiple shelters in the city. And interferon, yani IgRA test is positive. Yani IgRA positive, so if he is positive, he is thought a HIV infected. Like if this patient is not a HIV infected or so can see, ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी पेशेंट को जो है वो 2 months का जो है वो एकदम जो इनिशिएशन फेज है और 4 months का जो है वो कंटिन्यूशन फेज है वो दिया जाए, बट द पेशेंट शुड बी टेकन आइदर डेली और द 5 times डेली, तो उसके हिसाब से जो है आप चूज कर सकते हैं ये देखने के क्या ड्यूरेशन है, तो दैट्स व्हाट द यू नो मेन प्रिंसिपल। तो आप देखें बी वाला ऑप्शन जो है वो इसमें आ रहा है जिसके अंदर जो पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो ड्यूरेशन जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ओवर टू यू रेहान, थैंक यू सो मच एवरीवन।
टाइम शॉर्ट है, आई विल स्पीड अप. आई एम ऑलरेडी रशिंग विद अ लॉट्स ऑफ थिंग. अच्छा चले, आई विल कीप इट सिंपल एंड एक्सप्लेन. ठीक है. अच्छा, एंटी फंगल की जब भी बात आती है तो एंटी फंगल के अंदर ना आपको इनिशियली थोड़ा क्लासिफिकेशन का आइडिया हो. जनरली हमारे पास जो थ्री मेन क्लासेस हैं जो अवेलेबल हैं, एक पोलीन्स हो जाते हैं जिसमें फुटेरिसिन हो जाती है, उसके बाद एजोल्स हो जाते हैं. एजोल्स के अंदर आपके पास फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, आइसोवोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सारे आ जाते हैं. फिर आपके अकाइनोकैंडिन आ जाते हैं. अकाइनोकैंडिन में आपकी कैस्पोफंगेन हो जाती है, मेका फंगेन हो जाती है, नेडुलो फंगेन हो जाती है. पोलीन्स जो होते हैं बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो अल्गोस्टिरोल होता है उसके साथ बाइंड करते हैं, जो बेसिकली वॉल होती है जो उनकी, उसके साथ बाइंड करते हैं और क्या करते हैं कि उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें होल क्रिएट करते हैं, जिससे तो इंटेग्रिटी लूज होती है और फंगल उस बेसिकली उसमें डेथ होती है. जो एजोल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल कर देते हैं, इसकी सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं, जिससे सिंथेसिस नहीं होती और इस तरह होते हैं फिर उसमें होते हैं. फिर होते हैं जो पेंसिलिन, कुछ कहते हैं कि पेंसिलिन ऑफ बेसिकली सेल मेम्ब्रेन पे अटका होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की लिपिड होते हैं ना, जो एर्गोस्टिरोल होते हैं, तो उस पर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं पोलीन्स और एजोल्स, उसकी सिंथेसिस को जो होता है एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे होते हैं. वहीं पे जो सेल वॉल होती है, जो फंगल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल के अंदर क्या होती है, बीटा डी ग्लूकेन होता है. तो अकाइनोकैंडिन क्या होते हैं, बीटा डी ग्लूकेन को इनहिबिट कर देते हैं, जस्ट लाइक पेंसिलिन जो इनहिबिट करती है पेप्टिडोग्लाइकन को, तो ये क्या होते हैं, बीटा डी ग्लूकेन को इनहिबिट कर देते हैं. इसलिए समटाइम्स दे आर आल्सो नोन एज पेंसिलिन ऑफ एंटीफंगल्स. तो अगर फंगीसाइडल की बात की जाए तो फंगीसाइडल के अंदर आपके जो अकाइनोकैंडिन होते हैं ये फंगीसाइडल होते हैं. जो होते हैं एजोल्स ये फंगियोस्टेटिक होते हैं. जो पोलीन्स होते हैं ये इन बिटवीन होते हैं साइडल स्टेटिक, थोड़ा सा यानी कि इतने ज्यादा को फास्ट नहीं होते, लाइक स्टिल बेटर देन उस पे होते हैं, एजोल्स पे होते हैं. एम्फोटेरिसिन की जब भी बात आएगी, ठीक है, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉडेस्ट पॉसिबल स्पेक्ट्रम है. ये कैंडिडा को भी कवर करती है, ये यानी कि जो बेसिकली जब भी बात होती है उसके अंदर दो होती हैं, एक तो यानी कि आपकी जो यीस्ट होती है जिसके अंदर कैंडिडास आ रही है, फिर आपकी मोल्ड्स हो जाती हैं जिसमें हाइफी, जिसके अंदर आपकी म्यूको सेप्टेट और एसेप्टेट आ जाते हैं. सेप्टेट के अंदर आपके मेनली एस्परजिलस वेरा, एफिजेरियम, ये सारे आ जाते हैं. एसेप्टेट के अंदर म्यूकोर आ जाते हैं, राइजोपस, ये सारी चीज़ें. म्यूकोर के इसलिए आपको आइडिया होगा कि ब्लैक फंगस के नाम से रिसेंटली जानी जा रही है, क्योंकि वो पेशेंट्स जो हाई डोज स्टीरॉयड्स पे होते हैं बिकॉज ऑफ कोविड, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोविड नमूनिया की वजह से हाई डोज स्टीरॉयड रखा जाता है, तो उनके अंदर क्या होता है कि इम्यून सिस्टम सप्रेशन की वजह से दे आर हाई रिस्क ऑफ गेटिंग फंगल इन्फेक्शन, और उनके अंदर फिर फंगल इन्फेक्शन होती है जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं, जिसके लिए एम्फोटेरिसिन यूज़ करते हैं या फिर पोसाकोनाजोल या आइसोवोकोनाजोल यूज़ कर रहे होते हैं. एम्फोटेरिसिन जब भी किसी पेशेंट को जाएगी, कुछ चीज़ें आपके माइंड में होने चाहिए. सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, लोकल नहीं होती. आई बी होती है D5% D5W के अंदर, यानी कि D5 डिस्ट्रोज वाटर के अंदर दे रहे होते हैं. लाइट सेंसिटिव होती है, और इसके जो सबसे कॉमन हम दो होते हैं हमारे पास, या तो कोलाइडल सस्पेंशन होती है या लिपोसोमल होता है, या फिर आपकी होती है ये जो हमारे पास कन्वेंशनल होती है. पाकिस्तान में ज़्यादातर हम कन्वेंशनल यूज़ कर रहे होते हैं. कन्वेंशनल 0.5 to 1 मिक पर केजी हम दे रहे होते हैं, इससे ज़्यादा फिर रीनल टॉक्सिसिटी का रिस्क ज़्यादा होता है. जो लिपोसोमल होती है वो 3 to 5 मिक पर केजी दे रहे होते हैं, ठीक है, उसकी रीनल टॉक्सिसिटी ये चीज़ें कम होती हैं. जब भी एम्फोटेरिसिन की जेहन में आएगी, एम्फोटेरिसिन में आपके पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी हाईली नेफ्रोटॉक्सिक होती है, हाईली नेफ्रोटॉक्सिक होती है, हाईली नेफ्रोटॉक्सिक, तीन दफ़ा मैंने बोल दिया, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी के होते हैं. इसलिए आपने इन्फ्यूजन रेट इसका कंट्रोल करना होता है, डायल्यूशन अच्छी रखनी होती है, और 4 to 6 आवर में एडमिनिस्टर करते हैं, और सीवियर हाइपोकैलीमिया कॉज करते हैं. हाइपोकैलीमिया क्यों, अब बेसिकली ये ना ATN टाइप एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कॉज करती है, इसके अलावा प्री रीनल एजोटेमिया भी कॉज करती है, डिफरेंट्स के होते हैं, ये दोनों चीज़ें कर रही होती हैं, रीनल एसिडोसिस भी कर रही होती है, ट्यूबुलर एसिडोसिस भी कर रही होती है. क्योंकि रीनल जब नेफ्रॉन की तरह जाती है हायर कंसनट्रेशन पे होती है, प्रॉपर पेशेंट या हाइड्रेट नहीं कर रहे, फास्ट रेट पे लगा दी है, तो उसमें क्या होता है कि नेफ्रॉन्स के अंदर हायर कंसनट्रेशन पे होगी. जब हायर कंसनट्रेशन के अंदर होगी तो लिपिड के अंदर जनरली इसके जो ह्यूमन लिपिड होता है इसकी एफिनिटी कम होती है, लेकिन जब यहाँ पे हायर कंसनट्रेशन थोड़ी बहुत एफिनिटी शो करता है, जस्ट लाइक एर्गोस्टिरोल ये ह्यूमन लिपिड में सेल मेम्ब्रेन में उसमें बाइंड करता है, उसके साथ वो वहाँ पे होल क्रिएट करता है जिसकी वजह से डैमेज करता है, और वहाँ पे कहते इलेक्ट्रोलाइट वेस्टिंग होती है जिसमें सबसे कॉमन जो होती है आपकी फिर पोटाशियम की होती है, जिसकी वजह से सीवियर हाइपोकैलीमिया कॉज करती है. लिपोसोमल के साथ ये चीज़ें कम होती हैं. थ्रोम्बोफिलिपाइटिस कॉज करती है, इसलिए आप जब भी इसको देते हैं तो साथ में हेपरिन वगैरह जिसके सेंटर लाइन इसके थ्रू दे रहे होते हैं साथ, किसी भी चीज़ें ना हो, दूसरा स्लो रेट पे दे रहे होते हैं. और बाकी फीवर चिल्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए हाइड्रोकॉर्टिसोन और आइबुप्रोफेन हमारे यहाँ पैरास्टामोल दे रहे होते हैं, पैरास्टामोल प्लस माइनस है, लेकिन जनरली इंडिकेटेड जो होती है वो आइबुप्रोफेन होती है और हाइड्रोकॉर्टिसोन होती है. 25 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन दे रहे होते हैं. चिल्स वगैरह इसके लिए अगर ज़्यादा होते हैं तो उसमें फिर मेप्रिडीन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है.
रेयरली इसमें थे, पैथिडीन भी इसको कहते हैं, कुछ अगर मैपरिडीन का नाम याद है तो पैथिडीन भी इसको कहते हैं, ठीक है। एजोल्स के अंदर कीटोकोनाजोल बेसिकली हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, ज्यादातर सुपरफिशियल हो गया, सर में या स्किन में कोई इन्फेक्शन होती है तो उसके अंदर हम यूज कर रहे होते हैं। बहरहाल कीटोकोनाजोल जो होती है ये अगर तो ओरली सिस्टेमिकली देते हैं तो एड्रिनल इंसफिशिएंसी कॉज कर सकती है, लिपिडो कम करती है, इंपोर्टेंस गाइनेकोमास्टिया। एक कीटोकोनाजोल का तरह स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है आपके जो होते हैं ये हम जो यूज कर रहे हैं क्या कहते हैं टॉशन स्पारिंग डायोरेटिक्स, इसके साथ मिलता जुलता होता है, इसलिए जो गाइनेकोमास्टिया वगैरह वो भी कॉज कर रहे होते हैं, ये भी कॉज कर रही होती है, तो ये सारे इसके डायरेक्शन वगैरह भी होते हैं। फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल बता चुके हैं सबसे कॉमन अब यूज़ कर रहे होते हैं, कैंडिडा कैंडिडेमिया में भी यूज़ करते हैं, कैंडिडा ओरल कैंडिडियासिस में, वेजिनल कैंडिडियासिस में, डिफरेंट अदर सच इन्फेक्शंस के अंदर फ्लूकोनाजोल सबसे कॉमनली यूज़ हो रही होती है। प्रोफाइलेक्सिस के अंदर भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, मेनिंजाइटिस वगैरह जितनी बार उसमें मतलब मोस्ट कॉमन यूज़ जो आपकी एजोल होती है हमारे यहाँ जनरली फ्लूकोनाजोल होती है। 400 से नीचे नीचे इसके ऐसा ड्रग इंट्रैक्शन नहीं होते, जब 400 से ऊपर ऊपर होती है तो CYP3A4 और CYP2C9 को भी जाके तंग करती है। और एजोल्स का याद रख लें कि ये साइटोक्रोम P450 के इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स बस एक जनरल याद रख लें कि ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करते हैं, ज़्यादा कॉमनली छेड़ते हैं दो को, CYP3A4 को और CYP2C9 को छेड़ रहे होते हैं। एट्राकोनाजोल ऑनकोमाइकोसिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, हिस्टोप्लाज्मा जो होती है जनरली ये जो होते हैं स्पंजेट्राइब होते हैं जो वो गारों में जाते हैं, ये जन हिस्टोप्लाज्मा क्या होती है कि वो जो बैट्स होती हैं बैट्स की ड्रॉपिंग में ग्रो करती है, तो इसलिए वो जो गारों में इसमें जा स्पंजेट्राइब जाते हैं उनमें जाते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस सिस्टमिक इन्फेक्शन। एस्परजिलोस एट्राकोनाजोल बहुत अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस तो नहीं है एस्परजिलस में, लेकिन तो फ्लूकोनाजोल एस्परजिलस को बिल्कुल कवर नहीं करती, बस ये कैंडिडा कैंडिडा में भी एल्बिकन्स वगैरह के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, नॉन एल्बिकन्स में इतनी अच्छी नहीं होती, ग्लैबराटा में प्लस माइनस होता है, क्रूजाया को तो बिल्कुल कवर नहीं करती है, ठीक है। जो फ्लूकोनाजोल की बात करो, एट्राकोनाजोल भी इसी तरह ही होती है, लेकिन इसका ये होता है कि थोड़ा सा ही एस्परजिलस के अगेंस्ट और ब्लास्ट इसमें यूज़ होती है। बहरहाल ब्लास्टोमाइकोसिस में भी इसको यूज़ करते हैं। LFT इसको अच्छा खासा छेड़ती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हम इसको गुजरते हैं 200 mg BID जनरली इसकी डोजिंग होती है। बोरिकोनाजोल जो होती है ये क्रूजाया को भी कवर करती है, एल्बिकन नॉन एल्बिकन दोनों कवर करती है। इसके अलावा एस्परजिलस में ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एस्परजिलस निमोनिया के अंदर होती है, ओरल फॉर्म में भी आती है, IV फॉर्म के अंदर भी आती है, ठीक। ओरल जनरली एडल्ट डोजिंग होती है 200 mg BID जनरली एडल्ट डोजिंग होती है। ड्रग इंट्रैक्शन इसके काफ़ी होते हैं, स्पेशली जब भी रिस्क पे होता है तो ये ATT अगर पेशेंट ले रहे तो FFPSN इसको उड़ा के रख देती है, 90% तक इसकी AUC को कम कर देती है। इसकी हिपेटोटॉक्सिसिटी भी होती है और न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है पेशेंट को, जनरली हम बच्चों के अंदर जब हायर लेवल इसकी TDM भी करते हैं, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हम वोरिकोनाजोल की कर रहे होते हैं, जनरली 11.1 to 5.5 तक होता है, जनरली हमारा टारगेट हम 3 के राउंड अबाउट रख रहे होते हैं, ठीक है। और ड्रग इंट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा जो हायर उस पर होते हैं तो इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, CNS इफेक्ट देती है, कलर ब्लाइंडनेस, विजुअल डिस्टर्बेंस, इस किस्म की चीज़ें करती है, और अगेन CYP3A4 CYP2C9 को छेड़ रही होती है। और ड्रग इंट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, फेनिटाइन से ज़्यादा फेनिटाइन भी छेड़ती है आपको, जनरल इंड्यूसर कॉमन जब भी इंड्यूसर्स की बात आती है रिफेम्पेसिन फेनिटाइन फिनोबारबिटोन, फिनोबारबिटोन इतनी यूज़ नहीं होती है बच्चों के अंदर, थोड़ा उसका यूज रह गया, लेकिन फेनिटाइन हो गया और जो रिफेम्पेसिन होते हैं ये इसके काफ़ी उस पर होते हैं, ठीक है। LFTs हमने अक्सर देखा ये करती है एट्राकोनाजोल और ये दोनों बड़ा तंग करती हैं हमें, LFTs को डिरेंज करती हैं, ठीक है। ये ड्रग इंट्रैक्शन का थोड़ा बहुत वही आ जाता है कि रिफेम्पेसिन के साथ वोरिकोनाजोल भी नहीं दे सकते, ये सारी चीज़ें वोरिकोनाजोल की इसको कम कर देती है। वोरिकोनाजोल के साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी जनरली अवॉइड करते हैं हम, दूसरे वो दे रहे होते हैं ये नहीं कुछ होता है। तो वारफेरिन के साथ, वारफेरिन बेसिकली खुद एजोल्स दूसरे ड्रग्स की AUC को इंक्रीज करती हैं जबकि इंड्यूसर्स इनके AUC को कम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बस आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अब पोसाकोनाजोल, पोसाकोनाजोल जो होती है इसका एडवांटेज क्या है, मैंने आपको बताया कि ब्लैक फंगस के अगेंस्ट भी ये काम करती है, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस इसको कहते हैं उसमें भी काम करती है, जो एसेप्टेट फंगाई भी जिनको कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। जनरली 400 mg 12 आवरली या 200 mg 6 आवरली, अगर टैबलेट है तो 300 पहली दो डोजेज BID उसके बाद फिर डिलेड रिलीज वाली वंस डेली उसमें जा रही होती हैं। तकरीबन सारे वही रेना देना ही होता है, CYP3 इनहिबिटर्स होता है और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, तो वो जरा हम चीज़ें हम देखते हैं उन चीज़ों को हमने थोड़ा इंट्रेक्शन को कम कर रखा था। आइसोबुकोनाजोल वो भी म्यूकोर और दोनों उसको कवर कर रही होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन वाली चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं और बाकी तकरीबन उसी तरह ही है जिसका कॉमन उसमें होता है। एकिनोकैंडिन मैंने आपको पहले बता दिया, एकिनोकैंडिन जो होते हैं इनका जो ज़्यादा होता है वैसे जो इन्वेसिव कैंडिडियासिस में यूज़ कर रहे होते हैं, एस्परजिलस के अंदर यूज़ कर सकते हैं लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती, सेकंड लाइन होती है, हमेशा याद रखिएगा सेकंड लाइन होती है क्योंकि बीटा डिग्लुकैन ऐसा इतना उस पर कर होती है उधर इतना नहीं होता, ठीक है। तो ये कैंडिडीमिया के अंदर या क्या कहते हैं अगर तो पेशेंट को
एनीडीमिया की वजह से, वो है क्या कहते हैं वो एंडोकार्डाइटिस है, कैंडिडल कैंडिडियल एंडोकार्डाइटिस है, जिस किस्म में हम इसको प्रेफर करते हैं, और आईबी जनरली अवेलेबल होती है, ठीक है। कैस्पोफंगिन, कैस्पोफंगिन जो होती है लोड करते हैं जनरली 70 mg के साथ मेंटेन करते हैं, 50 mg क्यू 24 आवरली बच्चों के अंदर 70 mg पर मीटर स्क्वायर से लोड करते हैं, 50 mg पर मीटर स्क्वायर मेंटेन करते हैं, और ड्रग इंजेक्शन सिक्लोस्पोरिन के साथ या टैकोलिमस के साथ जनरली इसको अवॉइड करते हैं, इन दोनों के लेवल्स को इफेक्ट करती है। अगर वो दोनों मिल रही हैं तो फिर ठीक है, उन दोनों के फिर टीडीएम कर लें, लेवल्स मॉनिटर करें। मीकाफंगिन किसी तरह निफिडिपिन के साथ या सेरोलिमस के साथ अवॉइड करें, एडुलोफंगिन ऐसे जिस मामले में इतनी वो नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मैं हमने कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच। यहाँ एक क्लिक और कर दीजिए प्लीज जी, एक क्लिक और करें जी। हेलो, ऑल द पार्टिसिपेंट आई जस्ट जी अस्सलाम वालेकुम। हां रानी, हमरा जी जी, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। और एक और चीज ये कि वी हैव आवर एनुअल कॉन्फ्रेंस in September, so I request all of you please register yourself as early as possible. Thank you. Thank you very much, Dr. Rehan, and thank you very much, Dr. Sidra. I hope see you soon, inshallah, in the next session. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Welcome, sir. Everyone, have a good time. Thank you, everyone, for listening us. See you on Allah.